हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, जो कम्प्लीटली SA 240 के ऊपर था, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ मूव करेंगे आज न्यू चैप्टर पर, दिस चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। It is for audit in an automated environment. चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चे मुझे एक बार साउंड एंड वीडियो प्लीज कंफर्म कर दीजिए, जल्दी से एक बार साउंड एंड वीडियो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे फास्ट। audit in automated environment. और इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए कुछ प्री कंडीशन मैं अपनी ओर से लगा रहा हूँ, कुछ एजम्पशन बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि मैं ले रहा हूँ कि आपको इन बातों की एक अंडरस्टैंडिंग तो होगी। सर किन किन बातों की? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको SA 315 की एक अंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ पर हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। इसके बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे आपसे कि SA 315 के बाद जब हम SA 330 में आते हैं और SA 300 में आप डिजाइन करते हो, परफॉर्म करते हो अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इवेल्युएट करने के लिए वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रॉपरली डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो इस बात की मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि आपको 330 का टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट अच्छी तरह से आता है, क्लास में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और उसके बाद जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया तो कंट्रोल की डेफिशिएंसी आपको मिल जाती है, और कंट्रोल की डेफिशिएंसी जब आपको मिलती है तो वो डेफिशिएंसी आपको कम्युनिकेट करनी होती है दोष चार्जित गवर्नेंस को, मैनेजमेंट को। कुछ SA 265 वैसे सिलेबस में नहीं था, लेकिन 265 को मैंने डिस्कस किया हुआ है बच्चे आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जो मैंने पूरा चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन आंसर में डिजाइन किया हुआ था। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वहां पर, वो इसी SA के ऊपर था कि जब ऑडिट करते हुए आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करे और वहां पे आपको इंटरनल कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी मिल जाती है, तो डेफिशिएंसीज को आपको इवेल्युएट करना पड़ रहा था कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट थी तो वो आप मैनेजमेंट को एंड दोस्त चार विद गवर्नेंस को आप कम्युनिकेट करके आ रहे थे लेटर ऑफ वीकनेस के जरिए। और एक छोटी सी बस इस बात की एक अजम्पशन लेता हुआ चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपने कंपनी एक्ट के अंदर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में एक रिपोर्टिंग पड़ी होगी, रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिकॉज ये रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है आपको अगर कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है तो। हाँ, 1% कंपनी में, स्मॉल कंपनी में, या कुछ ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जिसको TB है, टर्नओवर एंड बोरोइंग के बेसिस पर एग्जम्पशन दी गई है, लेकिन ये हर कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर मैं बड़ी कंपनी की बात करता हूँ तो नो डाउट कि वहां पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल होती है, और अकॉर्डिंगली वहां पर आपको 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई के रेफरेंस से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के इफेक्टिव डिजाइनिंग एंड ऑपरेशन के ऊपर रिपोर्टिंग करना होता है। कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देखो तो मैं कंट्रोल को लेके ज्यादा कंसर्न हूं, बिकॉज जब मैं 315 में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता हूं, असेस करता हूं, तो अंडरस्टैंडिंग लेता हूं कंट्रोल की। 330 में भी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वहां पे कोई डेफिशिएंसी आपको मिल जाती है तो 265 के जरिए लेटर ऑफ वीकनेस आता है, जो कमियां आप मैनेजमेंट को, दोष चार्ज विद गवर्नेंस को आप कम्युनिकेट करते हो। और इसके अलावा कंपनी एक्ट का एक पॉइंट ले रहा हूं, 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, जहां पर आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके डिजाइनिंग और इफेक्टिव ऑपरेशन के ऊपर आप रिपोर्टिंग करते हो। इतना मैं लेके चल रहा हूं कि हाँ, इतनी सारी नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है, बिकॉज अगर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो ये चैप्टर में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, पहले ऑटोमेटेड एनवायरमेंट होता क्या है? एक ऐसा एनवायरमेंट होगा बच्चे जहां पर जो भी कुछ काम हो रहा होगा वो सिस्टम के जरिए हो रहा होगा। सिस्टम की बात करें तो हम कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से आप डेटा को प्रोसेस कर रहे होंगे, रिपोर्ट्स को आप जनरेट कर रहे होंगे। इवन कि जो कंपनी के अंदर, बड़ी बड़ी एंटिटीज के अंदर जो आज के टाइम पर डिसीजन मेकिंग होती है,
वो इसी सिस्टम के बेसिस पर होती है। तो एग्जाम में आपके इसके मीनिंग पर तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इतना मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से बच्चे कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के ऊपर, तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि पहले आप एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का मीनिंग से आप स्टार्ट करिए कि ये एनवायरमेंट बेसिकली होता किस तरीके का है। आज के टाइम में जितना भी बिजनेस एनवायरमेंट है, आप अपने चारों तरफ कोई भी आप बिजनेस उठा के देख लीजिए, तो वहां पर आपको ऑटोमेटेड एनवायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट है। आप ऑनलाइन ट्रेन बुक करते हो, या ऑनलाइन ट्रेन बुक करने होता अपनी कोई सीट बुक कर रहा ट्रेन के अंदर, तो ऑनलाइन ट्रेन की बुकिंग होती है, ऑनलाइन रिजर्वेशन जिसको आप कर सकते हो, या फिर आप एयरप्लेन का टिकट बुक कर रहे हो, या फिर आप मूवी का कोई शो बुक कर रहे हो, सब जगह पर आज के टाइम पर ये ऑटोमेटेड एनवायरमेंट है। देखिए ध्यान से, एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट बेसिकली रेफर्स टू अ बिजनेस एनवायरमेंट वेयर द प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, इवन डिसीजंस आर कैरीड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। नाउअडेज इट इज वेरी कॉमन टू सी कंप्यूटर सिस्टम बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट इज द एबिलिटी टू कैरी आउट बिजनेस विद लेस मैनुअल इंटरवेंशन एंड मोर सिस्टम ड्रिवन। कि भाई इसमें मैनुअल डिपेंडेंसी, मानवीय हस्तक्षेप, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, तो जो मानवीय हस्तक्षेप है, मैनुअल इंटरवेंशन है, वो कम से कम होगा, और ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहेगी, यहां पर सिस्टम के ऊपर आपकी ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन। अब कोई भी बिजनेस एनवायरमेंट का नेचर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है या नहीं, बिकॉज अगर याद करो तो किसी भी एंटिटी में जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन देना, उनके काम को सुपरवाइज करना, उनके काम को रिव्यू करना, इसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड को इफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स बताए गए थे। उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, कि एंटिटी कॉम्प्लेक्स नेचर की है या एंटिटी कॉम्प्लेक्स नेचर की नहीं है। तो एक एंटिटी का ऑटोमेशन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, एंटिटी इतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की होगी, और अगर एक एंटिटी का ऑटोमेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का नहीं है, तब उस केस में एंटिटी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की नहीं होगी। भाई सपोज कि दो एंटिटी हैं और दोनों ही एंटिटी अपने यहां पर ऑटोमेशन को यूज करती हैं, लेकिन एक जगह पर लेवल ऑफ ऑटोमेशन बहुत हाई है और एक जगह पर लेवल ऑफ ऑटोमेशन इतना ज्यादा हाई नहीं है, तो कौन सी एंटिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की होगी, जिनका बेटा ऑटोमेशन क्या होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। और अकॉर्डिंगली SA 300 में जब मैं अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के लिए डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू का NTE प्लान करूंगा, तो जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी वहां पर मेरे डायरेक्शन का, सुपरविजन का, रिव्यू का जो NTE होगा वो ज्यादा डिटेल में जाएगा। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन। अगर किसी का ऑटोमेशन स्ट्रांग है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, तो एंटिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की होगी। दैट इज इफ अ बिजनेस एनवायरमेंट इज मोर ऑटोमेटेड देन इट इज लाइकली टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। तो इस पर MCQ या इस पर नॉट MCQ, करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए आप यहां पर मार्क कर सकते हो, और इसका जो मीनिंग आया था वो करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए आप मार्क कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया, थिंक अबाउट बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर कैरीड आउट बाई यूजिंग ATM और हाउ टिकट्स कैन बी परचेज यूजिंग ऐप ऑन मोबाइल फोन एटसेट्रा। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द कंप्यूटर सिस्टम इनेबल अस टू ट्रांजेक्ट बिजनेस एट एनी टाइम एनी डे। किसी भी टाइम पर, किसी भी डे पे आप अपने बिजनेस को ट्रांजेक्ट कर सकते हो। सपोज कि भाई मुझे कोई FD करानी है, तो मुझे कोई FD करानी है, तो आज तो दिन हुआ संडे, और चलो अगर संडे भी ना होता तो जिस टाइम मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ उस टाइम पे तो कोई बेसिकली बैंक खुलेगा भी नहीं उस टाइम पे तो। लेकिन बताओ, क्या मैं आज अभी की अभी आपकी क्लास लेते हुए अगर मैं अपने मोबाइल बैंकिंग की जो ऐप है उस पे जाता हूँ और वहां पे जाके अगर मैं FD क्रिएट करता हूँ, तो क्या वहां पर मैं अभी की अभी FD क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? डेफिनेटली मैं FD क्रिएट कर सकता हूँ, मैं फंड किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर ये ऑटोमेशन नहीं होता तो मुझे बैंक में मूव करना होता, पैसे भी ट्रांसफर करने होते हैं तो उसके अकाउंट में जाके मुझे पैसे ट्रांसफर करके आने होते, या चेक काट के देना होता, तो उस केस में क्लियरिंग में भी टाइम लग जाता है। लेकिन क्या आज IMPS के जरिए, UPI के जरिए, RTGS के जरिए क्या फंड इमीडिएट ट्रांसफर होते या नहीं होते? डेफिनेटली फंड आपके इमीडिएट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस कंप्यूटर सिस्टम इनेबल अस टू ट्रांजेक्ट बिजनेस एट एनी टाइम एंड एनी डे। ये बताओ, आप ये UPI से पेमेंट करते हो, क्या ये भी एक तरह का ऑटोमेशन है या नहीं है?
आपने बारकोड को स्कैन बारकोड करा आपने क्यूआर कोड को स्कैन करा, क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फिर आपने यूपीआई से पेमेंट कर दी, आपके अकाउंट से पैसा कट गया और दूसरे वाले के अकाउंट में पैसा पैसा चला गया। एक मैसेज आपके पास आया कि आपके अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट हुआ है, एक मैसेज उसके पास भी जाएगा उसके अकाउंट में इतना पैसा आ गया। क्या इसके अंदर कहीं पर भी मैनुअल इंटरवेंशन आपको देखने को मिली? ये बताओ, मैंने केवल स्कैन तो कराया ना, लेकिन जब मैंने ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर दिया तो जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुई है कंप्लीट हुई है, आपके पास मैसेज वगैरह आए हैं, क्या इसके अंदर कहीं पर भी आपको मैनुअल इंटरवेंशन देखने को मिली? नहीं, ये ज्यादा सिस्टम पे डिपेंडेंट करता है, मैनुअल इंटरवेंशन इसके अंदर कुछ खास नहीं होती। हाँ, कुछ मैनुअल सिस्टम की बात करेंगे कि कहां कहां पर कुछ मैनुअल डिपेंडेंसी आ सकती है, पर ज्यादा बात करूंगा तो यहां पर वो सिस्टम डिपेंडेंसी यहां पर ज्यादा होती है। ये तो हुआ इसका एक बैकग्राउंड। नाउ बात करते हैं अब इसके एग्जाम के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने क्वेश्चन आंसर वे में ही आप बच्चों के लिए यहां पर ये डिवाइड किया हुआ है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसके की फीचर्स क्या है, ये मैं कह सकता हूं उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, आने को आ सकता है, और अगर लगता है तो चार नंबर के लिए बच्चे आप इसको मार्क कर लीजिए। आंसर, सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। क्या देखिए, एक्यूरेसी आती है डेटा को कंप्यूट करने में, कंप्यूट करने के बाद उसको प्रोसेस करने में। एग्जाम्पल दूं तो जो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है, सेविंग अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर आप सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हो तो 31 मार्च के आसपास, मार्च के लास्ट वीक में आपको अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होता हुआ दिखाई दिया होगा। अब कितना इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कितना अमाउंट होगा, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन, और कंप्यूट करने के बाद उसको प्रोसेस करना, यानी कि आपके अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना, इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो डेटा की कंप्यूटेशन में और कंप्यूट हो जाने के बाद प्रोसेसिंग में क्या रहती है, यहां पर एक्यूरेसी रहती है। क्यों? बिकॉज बड़ा सिस्टम में ना, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में का एक बढ़िया फीचर ये होता है कंसिस्टेंसी, कि एक बार अगर आपने सिस्टम के लॉजिक ठीक तरह से बना दिए तो सिस्टम फिर कंसिस्टेंटली जो काम करेगा वो ठीक ही काम करेगा, बिकॉज इसका कोई मूड तो है नहीं। मूड समझते हो ना, कि आज मूड नहीं है यार। आप जब मूड अच्छा होगा तो अच्छा काम करेंगे, जब मूड खराब होगा तो खराब काम करेंगे। सिस्टम एक बार अगर अच्छा बन गया तो अब सिस्टम के काम करने में आपको क्या दिखाई देगी, वहां पर कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। और डेटा अगर आपने लॉजिक्स जो है सिस्टम की, जो कमांड है, पैरामीटर्स हैं, वो बिल्कुल सही सेट किए हुए हैं, तो डेटा की कंप्यूटेशन और डेटा की प्रोसेसिंग हमेशा एक्यूरेट मैनर में ही जाएगा। सेकंड, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ज्यादा ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर सकता है। लेस प्रॉन टू ह्यूमन एरर, क्योंकि भाई आदमी काम करता है तो उसमें मूड की बात होती है, सिस्टम का मूड नहीं है तो इसमें एक ह्यूमन एरर के जो चांस होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। प्रोवाइड करता है ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जैसे कि सपोज कि अभी आपको ये देखना हो कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, लॉग इन करके देख सकते हो आप, ठीक है। लॉग इन भी नहीं तो आज के टाइम पर मोस्टली बैंकिंग कंपनीज ने एक मिस कॉल सेवा आपको दे रखी है कि वो मिस कॉल कर दीजिए तो आपके अकाउंट में क्या बैलेंस है उसका एक मैसेज आपके पास आ जाएगा। ये क्या है, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। ये बताओ कि पहले के जमाने में अगर आपको अपने बैंक में कितना बैलेंस है ये देखना हो, मैं बात कर रहा हूँ आपसे आज से लगभग 20-25 साल पहले की, तब उस केस में भाई साहब आपको बैंक में जाना पड़ता था, जाके पासबुक आपको अपडेट करवानी होती थी, तब जाके मालूम चलता था कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। बट आज के टाइम पे क्या बताओ, किसी भी टाइम पर किसी भी समय मैं अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ये सिस्टम हमेशा आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। इनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, आपके बिजनेस के ऑपरेशन काफी ज्यादा फास्ट मैनर में प्रोसेस होने शुरू हो जाते हैं। कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, मतलब कि भाई ये बात करते हैं हम यहां पर ऑनलाइन रियल टाइम की, तो अगर एनी टाइम एनी प्लेस कहीं से भी काम करना हो तो यहां पर एक नेटवर्किंग का होना जरूरी है। इनकेस अगर आपके पास नेट नहीं है, नेटवर्किंग की कनेक्टिविटी अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, या बैंकिंग के सर्वर अगर ठप हो जाते हैं तो उस केस में एटीएम का जो मशीन होगा वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर एक नेटवर्किंग कनेक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, बिकॉज काम पूरा सिस्टम पे डिपेंडेंट है तो सिस्टम को कोई अनऑथराइज तरह से एक्सेस तो ना कर सके, बिकॉज चांसेस हैं कि कोई बंदा अनऑथराइज तरीके से आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। सिस्टम को एक्सेस करने के बाद वो आपके प्रोग्राम को चेंज कर सकता है, वो आपके
डेटा को चेंज कर सकता है, तो यहां पर क्या होता है सिक्योरिटी कंट्रोल ज्यादा होते हैं, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेशन बिटवीन द बिजनेस ऑपरेशन, ये बिजनेस के ऑपरेशन को क्या करता है इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ना, समन्वय, तालमेल। तो इंटीग्रिटी का मतलब हो गया दो बिजनेस ऑपरेशन को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल दें तो सपोज कि मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग करने के लिए जाता है और वो ऑर्डर लेके आया कि भाई 10,000 यूनिट सेल करनी है। तो पहले क्या होता था कि मार्केटिंग वाला जब ऑर्डर लेके आता था वो सेल्स वाले को बताता था कि भाई 10,000 सेल करना है। सेल्स वाला बंदा प्रोडक्शन वाले को बोलता था भाई इतना सेल करना है तो ये इतना बनाना है। प्रोडक्शन वाला बंदा फिर परचेज वाले को बोलता था मुझे इतना बनाना है, तुमको इतना परचेज करके लेके आना है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन वहां पे पहले इतना अच्छा इंटीग्रेशन नहीं होता था। आज के टाइम पे बस मार्केटिंग वाला बंदा जो ऑर्डर लेके आएगा सिस्टम में फीड करेगा और ऑटोमेटिकली अपडेशन जो जा रहा होगा परचेज वाले के पास, सेल्स वाले के पास, प्रोडक्शन वाले के पास, ये सारी अपडेशन जा रही होंगी। ये क्या है इंटीग्रेशन बिटवीन दी ऑपरेशन। तो ये हैं कुछ की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसका आप एक कोड प्लीज लिख सकते हो, एप्पल सीबीआई। ए फॉर एक्यूरेसी, डेटा को प्रोसेस करने में एंड कंप्यूट करने में एक्यूरेसी। फिर बात करते हैं पी की, तो प्रोसेस करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो पहला हुआ एक्यूरेसी के ऊपर, एक्यूरेसी है कंप्यूटेशन में, एक्यूरेसी है प्रोसेसिंग में। फिर पीस फॉर प्रोसेस करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर पीस फॉर प्रॉन, लेस प्रॉन टू ह्यूमन एरर। एलिस फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ये आपको प्रोवाइड करता है। ई फॉर इनेबल करता है फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। सी फॉर कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। बी फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। एंड आई फॉर इंटीग्रेशन बिटवीन दी ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन में इंटीग्रेशन बनी रहती है इस एनवायरमेंट की वजह से। तो एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द की फीचर ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, लेकिन इसका आंसर प्लीज बच्चे जो आप स्टार्ट करेंगे ना, इसका आंसर आप ऐसे स्टार्ट करना कि पहले आप ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का ना मतलब बता देना और वो मीनिंग कहां से, वो आप पहले ये बोलना कि एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट बेसिकली रेफर्स टू अ बिजनेस एनवायरमेंट वेयर द प्रोसेसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड इवन डिसीजंस आर कैरीड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। इतना आप पहले डिफाइन कर देना और उसके बाद फिर बोल देना कि सम ऑफ की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट आर एज फॉलोज। सर इतने ही पॉइंट लिख के आने, कोई और कमियां ज्यादा नहीं करने बेटा, आपके स्टडी मटेरियल के हैं, सेम पॉइंट आपके स्टडी मटेरियल के हैं। तो जितना कंटेंट आपका स्टडी मटेरियल का है वही कंटेंट एक बेटर प्रेजेंटेशन के साथ आप लिख के आएंगे, तो नो डाउट जितने भी नंबर में क्वेश्चन होगा आप उतने ही मार्क्स स्कोर करके आएंगे। हाँ एक नंबर देखो काटने को, वो काट ले, वो उसकी खुंदस होगी कि नहीं बच्चे को मुझे चार में से चार देने ही नहीं है, अदरवाइज चार नंबर के लिए आपकी बहुत अच्छा कंटेंट है, ये आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। क्लियर, मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे जी आपको ये समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, डिस्कस रेलिवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो वहां पर आईटी की इतनी रेलिवेंसी क्यों है। अगर मैं कॉमन सेंस में इसका एक आंसर दूं, जो टेक्निकली जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है वो डिस्कस करते हैं बिकॉज वो मुझे कंटेंट स्टडी मटेरियल से उठाना पड़ेगा, लेकिन एक कॉमन सेंस में अगर मैं इसका आंसर अटेम्प्ट करूं तो मुझे पता है कि जब मैं किसी क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के लिए जाता हूं, एनवायरमेंट कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, लेकिन मुझे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 300 एक ऑडिट का प्लान डेवलप करना होता है ताकि मैं ऑडिट को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इन टाइमली मैनर में कंप्लीट करके आ सकूं। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 315 मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, असेस करना होता है, अंडरस्टैंडिंग लेते हुए एंटिटी, उसके एनवायरमेंट, उसके इंटरनल कंट्रोल की, ताकि इसी के बेस पर मैं SA 330 में अपने रेस्पॉन्स सेट कर सकूं कि मुझे TOC कैसे करना है, मुझे SAP कैसे करना है। SA 500 में ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करने के लिए आपको टेक्निक्स अप्लाई करनी होती है। SA 220 में भी फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एक एंगेजमेंट पार्टनर अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर को काम डायरेक्ट करता है, उनके काम को सुपरवाइज करता है और उनके काम को वो रिव्यू करता है, पूरी ऑडिट को वो मैनेज करता है। सोचिए अगर आपके पास अगर आईटी की नॉलेज नहीं है और आप एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो क्या आप अच्छा एक ऑडिट का प्लान डेवलप कर सकते हो? नहीं।
बिना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के नॉलेज के आप एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने का अच्छा प्लान डेवलप कर ही नहीं सकते, ना ही अच्छा रिस्क असेस कर सकते हो 315 में। जब 315 में रिस्क ही अच्छा असेस नहीं हुआ होगा तो रेस्पॉन्स निकल के नहीं आएंगे आपके 330 में। ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने वाली टेक्निक्स जो होती है वो आप प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंगेजमेंट टीम के काम को आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे, उनके काम को आप रिव्यू नहीं कर पाएंगे। जब इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे तो खुद सोचिए एक गलत कंक्लूजन या गलत ओपिनियन जाने के चांस क्या रहेंगे, कम या ज्यादा। सर गलत कंक्लूजन गलत ओपिनियन जाने के चांस तो यहां पर ज्यादा होंगे। तो अकॉर्डिंगली एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में आईटी का बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। वो जब तक मेरे पास ये नॉलेज नहीं होगी आप इस एनवायरमेंट में एक अच्छी ऑडिट बेटा परफॉर्म करके आ ही नहीं सकते। देखिए ध्यान से, गिविन बिलो आर सम सिचुएशंस इन विच आईटी विल बी रेलिवेंट टू एन ऑडिट। इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा हुए। सर सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है? अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जिसके बेस पर आपका सिस्टम रन करता है, जैसे मैं विंडो 10 की बात करता हूं, ये क्या है, एक तरह का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एमएस ऑफिस क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं बच्चे, ये क्या बनेगा आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि मुझे वर्ड पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, पावर पॉइंट पे मुझे काम करना है, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, इसको मैं बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डालने के बाद अब आप अपने सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप डाल रहे होते हो, ये होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द बिजनेस। जब तक सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम में आपके इंस्टॉल ही नहीं हो सकते। पहले सिस्टम में कह सकते हो कि विंडो का होना जरूरी है। विंडो जब एक बार इंस्टॉल हो जाती है तो हाँ, फिर आप बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में आप डाल सकते हो। तो इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द बिजनेस। सेकेंड, इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। अगर मेरे पास आईटी की नॉलेज है और आईटी की नॉलेज के साथ अगर आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो आपके ऑडिट की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस वो बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हैज इंक्रीज। भाई आज के टाइम पे जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा है। वो ट्रांजेक्शन जो प्रोसेस हो रही है, मुझे देखो देखा जाए तो ना तो कोई एक इनपुट एक विजिबल फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑनलाइन इनपुट को एक्सेप्ट किया जा रहा है, फिर उसको सिस्टम में ही प्रोसेस किया जा रहा है, वो विजिबल फॉर्म में नहीं है। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो अगर एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट होता तो मुझे चीजें ना एक ट्रेल दिखाई देती है कि ठीक है भाई, ये आपका परचेज का ऑर्डर था, ये परचेज आया, ये इनवॉइस है, ये आपका जर्नल है, रिकॉर्ड हो रहा है, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग हो रही है, फिर चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये चीजें पहले प्रॉपर विजिबल फॉर्म में हुआ करती थी, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो चुकी है वहां पर, वो ज्यादा हुई है। चाहे ट्रांजेक्शन का नेचर बहुत सिंपल हो, लेकिन जो उसको प्रोसेस करने का तरीका है उसमें कंट्रोल का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा लगाया गया है ताकि कहीं कहीं से भी कोई फ्रॉड या एरर के चांस ना हो, तो उन कंट्रोल की वजह से ट्रांजेक्शन जो मुझे दिखाई देती है वो कॉम्प्लेक्स नेचर में मुझे प्रोसेस होती हुई दिखाई दे रही है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन वो इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर काम मैनुअली हो रहा था तो कहने की एक लिमिटेशन थी कि हम केवल इतनी ही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो क्या बैठा, एक बार सिस्टम तैयार हो गया तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को बहुत कम टाइम में इसको रन कर देता है, प्रोसेस कर देता है। तो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, और अकॉर्डिंगली खुद सोचिए इतना ज्यादा वॉल्यूम सिस्टम प्रोसेस कर रहा है तो आप मैनुअल अगर आप ऑडिट करने बैठेंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप अपने ऑडिट को टाइमली मैनर में कंप्लीट कर पाए। दैट इज वाई अगर क्लाइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपनी अकाउंटिंग कर रहा है आज के टाइम पर, तो मैं भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर को ही यूज करते हुए ऑडिट करूंगा। बट सॉफ्टवेयर तो आप तब यूज कर पाएंगे ना जब आपके पास आईटी की नॉलेज होगी। इसलिए आज के टाइम पर इस एनवायरमेंट में ऑडिट करने के लिए आईटी की नॉलेज का होना बेटा जी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी की पॉलिसी, भाई कंपनी की इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज होती है। सपोज अब कंपनी की अगर इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी बनी हुई है,
आपको ये देखना है कि कंपनी के कंट्रोल्स प्रॉपरली डिजाइन है या नहीं है, इफेक्टिवली ऑपरेट होते या नहीं होते। तो आप कैसे चेक करेंगे? अगर आपको आईटी एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं है तो आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंपनी की कोई भी जो पॉलिसी होगी, क्या आप उसके इफेक्टिव डिजाइनिंग या इफेक्टिव ऑपरेशन को आप इवेल्युएट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज कंपनी की कोई भी पॉलिसी होगी आज के टाइम पर, वो कहने के बताइए इस एनवायरनमेंट के ध्यान में रखते हुए ही कंपनी की सारी पॉलिसी होंगी या नहीं होंगी? कंपनी के कंट्रोल्स हैं, या कंपनी के कंट्रोल्स में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाले कंट्रोल्स जो होंगे वो इग्नोर होंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आपको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग करनी होती है। अब मैं कंपनी में ऑडिट करने के लिए चला गया, मुझे आईटी एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं है, तो क्या आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके डिजाइनिंग और इफेक्टिव ऑपरेशन पर रिपोर्टिंग करके आ सकते हो? नहीं करके आ सकते। एंड हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, इस एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस का नेचर क्या हो गया? हाईटेक हुआ है। अब इनको आपको इस हाईटेक बिजनेस जो हुआ है ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांस कितने हैं। अब सोचिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी हाईटेक नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लेते हो, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि हाईटेक है, हाईटेक है बिकॉज उसके अंदर क्या है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्या ये दोनों बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग क्या सेम मैनर में ली जाएगी या वेरी करेगी? सर डेफिनेटली ये तो वेरी करेगा। तो दैट इज वाई आपके पास इस एनवायरनमेंट की नॉलेज का होना आज के टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है। सर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्या? डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन लगा हुआ भी है, लगा हुआ भी है। 4 से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आप यहां पर मार्क कर लीजिए। डिस्कस रेलिवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चे? मुझे प्लीज एक बार रिप्लाई करते हुए चलना, सारी बातें क्लियर है या नहीं है। मूव कर रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इट इज क्वेश्चन नंबर 3। मेंशन द पॉइंट दैट ऑडिटर शुड कंसीडर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। इसको आप 315 से लिंक करिए। 315 बात कर रहा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। तो जब आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बच्चे असेस करना होता है, तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है एंटिटी की, एंटिटी के एनवायरमेंट की और एंटिटी के कंट्रोल्स की। 315 में हमने ये पढ़ा था कि एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ऑडिटर को ऑन एमआरपी की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। उम्मीद कर रहा हूं रिकॉल हो रहा होगा। ऑन एमआरपी क्या था? ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग बिजनेस रिस्क विच गिव राइज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इज फॉर नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशन, हाउ एंटिटी फाइनेंस, एंटिटी का ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, द इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज मेकिंग एंड प्लानिंग टू मेक। फिर हमने बात की थी वहां पर मेजरमेंट करना, रिव्यू करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है आपके ऊपर, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, और एंटिटी का सिलेक्शन अकॉर्डिंग पॉलिसी को लेकर 5 पॉइंट थे वहां पर। फिर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप इंटरनल कंट्रोल के जो 5 कॉम्पोनेंट थे, आईसी रैम, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे थे। अब बात करते हैं हम यहां पर ऑटोमेटेड एनवायरमेंट कि अगर मुझे एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की नॉलेज लेनी है, बिकॉज इसकी अंडरस्टैंडिंग लिए बिना आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते। 315 में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी एंटिटी के ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की। अब एंटिटी के ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको कुछ इन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। अगर जो कुछ पॉइंट मैं बोलूंगा, अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है, तो आप एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर जाओगे। मतलब कि मैं ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन कर जाऊंगा। जैसे एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप ऑन एमआरपी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, ऐसे ही ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको किन किन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए? तो मुझे कुछ इन बातों की बेटा मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। फर्स्ट वन कि एंटिटी के यहां पर कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा सर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को प्रोसेस करके आपके लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करता है।
आपने इंफॉर्मेशन का मतलब पढ़ा होगा ना, व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, जब एक इनपुट आता है, डेटा आता है, उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट आया, दैट आउटपुट इज इंफॉर्मेशन, दैट आउटपुट इज इंफॉर्मेशन। ये कैसे आया है? सिस्टम ने किसी एक रॉ डेटा को प्रोसेस किया होगा और उस रॉ डेटा को प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट किया होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एंटिटी के यहां पर आप केवल ये सोचते हो कि क्या केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम ही आते हैं? ये बताइए कि अगर किसी भी स्टाफ की एंट्री के टाइम पर मैंने एक थंबल इंप्रेशन इंस्टॉल करवा दिया जो कि बेसिकली आपके अटेंडेंस के रिकॉर्ड की बात करेगा, तो आपने जाए आपने अंगूठा लगाया, इट इज कॉल्ड इनपुट, एक डेटा आया, लेकिन वो उसको प्रोसेस करके आपके लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा और अल्टीमेटली बताएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर मंथ में कौन सा स्टाफ आया था, कौन सा नहीं आया था, कौन स्टाफ कितने बजे आया था, कौन सा स्टाफ कितने बजे गया था। इसी के बेस पर अब यहां पर एक दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जो सैलरी जनरेट करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो यहां से जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है वो दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए इनपुट का काम करेगा और उसके बेस पर उसकी सैलरी कंप्यूट की जाएगी कि हाँ किसी भी मंथ में किसी भी स्टाफ की आपकी क्या सैलरी जाएगी। तो बताइए क्या एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो मुझे यह समझना है कि आपके यहां पर कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होते हैं, उनका पर्पस क्या है, बिकॉज हर इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक अलग पर्पस होगा, ठीक है। उनकी लोकेशन क्या है, लोकल है, ग्लोबल है, कैसे आप ये इंफॉर्मेशन सिस्टम को, दो इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप इंटरफेस के जरिए कनेक्ट करते हैं, फिर आपकी पॉलिसी क्या है, कौन कौन सा काम आपने आउटसोर्स किया हुआ है, आपकी आउटसोर्सिंग एक्टिविटी क्या है, इस एनवायरमेंट के अंदर आपका एक हायरार्की स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इस ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में जो आपकी कंपनी की पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किस पर्सन की क्या अकाउंटेबिलिटी है, कि डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी, नेटवर्क सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी, सर्वर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी, सिस्टम को परचेज करना है, सिस्टम को अपडेट करवाना है, इस चीज को कौन ऑथराइज करेगा, ये सारी पॉलिसी को भी देखूंगा मैं एक बार। तो अगर इन सारी बातों की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी तो आप एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है विद रेस्पेक्ट टू ऑटोमेशन, ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाएगी। देखिए, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग आईटी एज पर SA 315। गिविंग बिलो आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट एन ऑडिटर शुड कंसीडर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज, आप कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हो? ऑब्वियसली बात है बेटा, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं, वन और मोर एप्लीकेशन सिस्टम। उनका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, उनकी लोकेशन क्या है कि लोकल है या ग्लोबल है, उनका आर्किटेक्चर किस तरीके का है, डेस्कटॉप बेस्ड है या क्लाइंट सर्वर बेस्ड है। जैसे बताइए कि जो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप क्या ये एप्लीकेशन है या नहीं है? हाँ सर, ऐप इज फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस तो है, लेकिन जो मोबाइल ऐप है वो किस बेस पर काम करती है, क्लाइंट सर्वर पे काम करती है, यानी कि आपको सर्वर पे एक्सेस मिल जाती है, यानी कि मेरे पास एक एप्लीकेशन होगी और उस एप्लीकेशन के बेस पर मैं इनके सर्वर को एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन जो बैंक में एनवायरमेंट होगा इसका, कि बैंक में जो स्टाफ बैठा हुआ है क्या वो भी मोबाइल ऐप के जरिए काम कर रहा होगा? बताओ, क्या बैंक का जो स्टाफ है वो किस तरह से काम करता है? वो डेस्कटॉप बेस काम करता है। तो यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन से आप यूज कर रहे हो, उनका पर्पस क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका आर्किटेक्चर किस तरीके का है, कि वो डेस्कटॉप बेस्ड है या वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड है। फिर इंटरफेस कौन से यूज किए जाते हैं, इंटरफेस क्यों, दो इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो आप कनेक्ट करोगे ना वो किसके बेस पर आप करोगे, वो आप इंटरफेस के जरिए आप कनेक्ट करते हो, इंटरफेस के जरिए। जैसे कि मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, तो ये भी मेरे लिए दिखाया, तो एक इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, ये मेरे को कैप्चर कर रहा है, लेकिन ये जिस सॉफ्टवेयर के जरिए आपको चीजें मिल रही हैं, तो देखो अगर इसमें देखो कि कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं, तो एक तो मोबाइल कैमरा यूज हो रहा है, फिर दूसरा इसमें एक ऑडियो कैप्चर करने के लिए, वीडियो कैप्चर करने के लिए तो कैमरा हुआ, ऑडियो के लिए एक माइक हुआ, और मेरे जो सिस्टम का जो स्क्रीन है उसको कैप्चर किया जा रहा है। तो एक सॉफ्टवेयर के जरिए इसने इन तीनों को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी कि मेरा जो वीडियो है वो, दूसरा जो मेरा साउंड आ रहा है वो, और तीसरा ये जो मेरे पास सिस्टम का जो स्क्रीन है, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन, उसको एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। बताओ क्या इंटरफेस यूज हुए होंगे या नहीं हुए होंगे?
तीन अलग अलग चीजें हैं, मेरी स्क्रीन कैप्चर हो रही है, मेरा वीडियो कैप्चर हो रहा है, मेरा ऑडियो कैप्चर हो रहा है। अब इनको बिल्कुल आपस में इंटीग्रेट कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना, तो इनको इंटीग्रेट कौन करता होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको कि आपके एक सिस्टम ने इनपुट लिया थंबल इंप्रेशन, उससे डेटा जनरेट हुआ अटेंडेंस रिकॉर्ड का, लेकिन अटेंडेंस रिकॉर्ड के डेटा से काम नहीं चलेगा, मुझे सैलरी कंप्यूट करनी है, तो जो अटेंडेंस रिकॉर्ड का डेटा होगा वो दूसरे सिस्टम में एंटर किया जाएगा। तो कैसे एक इंफॉर्मेशन का डेटा दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम से कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। आप कौन कौन से इंटरफेस यूज करते हो, और ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप यूज करते हो। अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप यूज करते हो तो ही उस केस में इंटरफेस की बात करेंगे। वर्जन, जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है उसका वर्जन क्या है, क्योंकि जितना ओल्डर वर्जन आप यूज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उसके अंदर मिसस्टेटमेंट के चांस क्या होंगे, यानी कि गलतियां शायद उसमें, कंट्रोल का एनवायरमेंट उतना वीक रहेगा। जैसे कि अगर आज के टाइम पे कोई विंडो एक्सपी पे काम कर रहा हो, आज के टाइम पे कोई विंडो एक्सपी पर काम कर रहा हो, तो क्या बताइए कि विंडो एक्सपी एक आउटडेटेड वर्जन है या नहीं है। और विंडो एक्सपी पे काम करने का मतलब कि शायद उसमें इतने अच्छे कंट्रोल ना हो। तो जब जब कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो उसमें बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स के फीचर्स आ जाते हैं। तो मैं देखूंगा इस वाली बात को कि आप कौन सा सिस्टम, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। अगर आप बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हो जबकि मार्केट में न्यू वर्जन को आए हुए भी काफी टाइम हो चुका है और एक और नया वर्जन लगभग आने को तैयार बैठा हुआ है, और अभी भी आप बाबा आदम के जमाने का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो सर ये क्यों यूज कर रहे हो, यहाँ पे तो आपके यहाँ देखा जाए तो इस नेचर की मिस स्टेटमेंट या ये फ्रॉड आपके यहाँ पर या ये थ्रेट्स आपके बिजनेस में आ सकते हैं। इनहाउस और पैकेज, इनहाउस का मतलब क्या होता है कि आपने इसको खुद डेवलप करवाया, या पैकेज का मतलब आपने अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर ये बना के एक सॉफ्टवेयर, यानी एक रेडीमेड लेके आना और एक अपने यहां पर डेवलप करवाना, दैट इज कॉल्ड इनहाउस और पैकेज। आपकी आउटसोर्स एक्टिविटीज कौन कौन सी है, लेकिन जनरली आईटी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट वाली जो सर्विस होती है आप आउटसोर्स कर देते हो उसको, एंड की पर्सन कि किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी, कि सिस्टम को एक्वायर करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन इसको ऑथराइज करेगा, सिस्टम को चेंज करना है, प्रोग्रामिंग को चेंज करना है तो कौन इसको अप्रूव करेगा, तो इसमें की पर्सन की इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है, किसकी क्या क्या रोल एंड अकाउंटेबिलिटी है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो अगर एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को समझना है इनको आप समझ जाइए, अगर इनको आप समझ जाएंगे तो आप एक एंटिटी के ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के बारे में एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप ले लोगे, एंड अकॉर्डिंगली फिर 315 का रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई एंड असेस करके आ सकते हो। उम्मीद करो बच्चे समझ में आपको आया होगा। हाँ सर आया है, चलिए आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड एंड कंसिडर द रिस्क डेट मे अराइज फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम डिस्कस। मतलब कि जब कोई चीज आती है, जब एक एनवायरमेंट चेंज होता है, तो अच्छा एनवायरमेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बट उससे रिलेटेड कुछ क्या होंगे, वहां पर थ्रेट्स भी आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ थ्रेट्स भी आते हैं। जैसे सपोज कि पहले क्लास केवल फेस टू फेस चलती थी तो क्लास के कोई लीक होने का कोई डर वगैरह नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे जब ऑनलाइन क्लास चल रही है, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव के जरिए क्लास चल रही है, तो कहने का एक रिस्क तो होता है ना कि शायद क्लास कोई लीक ना हो जाए, बच्चों कोई क्लास की रिकॉर्डिंग ना कर ले, तो इनसे भी बचने के बताओ कोई ना कोई कंट्रोल तो आते होंगे ना। तो कंट्रोल क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन बात करते हैं कि अगर एक आईटी एनवायरमेंट है तो आईटी एनवायरमेंट कितना अच्छा एनवायरमेंट क्यों ना हो, बट वहां पर भी आईटी रिलेटेड रिस्क तो आ सकते हैं ना। तो वो आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है वो हमको समझना है। आईटी एनवायरमेंट क्या है वो हमने समझा, अब इस एनवायरमेंट में क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। जैसे देखिए कोई बंदा क्या बताइए रिमोट लोकेशन पर बैठ के कंप्यूटर सिस्टम की बेस पर नेटवर्क इंटरनेट की मदद से क्या आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, नहीं कर सकता। हैक करने का मतलब अनऑथराइज तरह से वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर ले, आपका जो सिस्टम की प्रोग्रामिंग है जैसे वो डेटा को रन करता है, प्रोसेस करता है, वो चेंज कर ले, मास्टर फाइल को एक्सेस कर सकता है, मास्टर फाइल में जो डेटा है उस डेटा को वो चेंज कर सकता है। एक पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा भी यहां पर है। एक रिस्क ये भी है कि जब जहां पर आपका जो सिस्टम है वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड है
लेकिन सर्वर की अगर कनेक्टिविटी नहीं होती है तो कई बार आपने देखा होगा कि मैसेज आता है कि सर्वर नॉट फाउंड। तो जब किसी भी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस इनिशिएट करने की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट है, शायद उस टाइम पे आपका सर्वर अवेलेबल ना हो पाए, या फिर कहीं पर वैसा हमने पढ़ा था कि इसमें लेस मैनुअल इंटरवेंशन होती है, लेकिन इनकेस अगर मैनुअल इंटरवेंशन हो गई जो कि इनएप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, तो कहीं ना कहीं वो जो आईटी एनवायरमेंट का पर्पस था वो उसको डिफीट कर सकता है। एक रिस्क ये भी है कि आप एक ऐसे सिस्टम पर विश्वास करके बैठ सकते हो विच इज प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और प्रोसेसिंग डेटा इनएक्यूरेटली और बोथ। सर ऐसा कैसे? सपोज किसी पर्सन ने आपके सिस्टम की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया, जब किसी एक पर्सन ने सिस्टम की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया ये वाली बात आपको पता नहीं है, तो आप तो सिस्टम पर विश्वास कर रहे होंगे ना, तो आप एक ऐसे सिस्टम पर विश्वास करके बैठे हुए हैं जो डेटा को गलत तरीके से कर रहा है प्रोसेस या गलत डेटा को कर रहा है प्रोसेस। विश्वास क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आपको नहीं पता कि किसी पर्सन ने इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया है, और जब तक ये वाली बात मालूम चलेगी तो एक अच्छा खासा नुकसान एंटिटी का हो सकता है। तो दीज आर सम रिस्क रिलेटिंग टू आईटी एनवायरमेंट। देखिए ध्यान से, एग्जाम के लिए टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन लगा हुआ है, पूरा चैप्टर भाई साहब क्वेश्चन आंसर वे में यहां पे डिजाइन किया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एस पर SA-315 फॉलोइंग आर सम स्पेसिफिक रिस्क रिलेटिंग टू आईटी इन रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल इन आईटी एनवायरमेंट। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा इन मास्टर फाइल। कोई पर्सन आपके मास्टर फाइल का मतलब बेटा इट इज जस्ट लाइक लेजर। मास्टर फाइल इज जस्ट लाइक लेजर। लेजर को एक्सेस करके आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज्ड तरह से इसका डेटा चेंज भी कर सकता है। ए और सी को ध्यान से देखिए, ए में कहा कि डेटा को एक्सेस कर सकता है, जबकि सी पॉइंट में आया है कि डेटा को एक्सेस करने के साथ साथ वो मास्टर फाइल का डेटा चेंज भी कर सकता है। तीसरा, अनऑथराइज्ड तरीके से चेंज कर सकता है वो आपके सिस्टम को या प्रोग्राम को। सर इसका मतलब मैं एक फ्रॉड बता रहा हूं, ये काफी साल पहले 2004 या 5 के आसपास की बात है, एक बैंक का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बैंक था एक, और उस बैंक के एक सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय ने पता नहीं सिस्टम की प्रोग्रामिंग में क्या चेंज किया कि जितना भी सिस्टम इंटरेस्ट रन करता है, इंटरेस्ट को कंप्यूट करता है, पहले तो इंटरेस्ट कंप्यूट किया, सपोज इंटरेस्ट कंप्यूट किया गया है 950 रुपीज का, एक सेविंग अकाउंट में 950 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट करना है, तो प्रोग्रामिंग को चेंज ये किया गया कि 940 रुपए ही अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जाएंगे, कस्टमर के अकाउंट में जाएंगे, और 10 रुपए का इंटरेस्ट किसी और अकाउंट में जा रहा था। अब मेरे अकाउंट में 950 आए, 940 आए, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि उन्होंने किस तरह से इंटरेस्ट कंप्यूट करा होगा, हमें तो नहीं पता होता ना, ठीक है। तो वहां पर मेरे अकाउंट में 940 आए तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, अच्छा 940 रुपए का ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया, मुझे नहीं पता कि मेरा 10 रुपए का इंटरेस्ट कोई खा गया, और वो 10 रुपए का इंटरेस्ट कहां है, किसी और अकाउंट में क्रेडिट किया गया। और ये फ्रॉड काफी लंबे सालों से चलता हुआ आ रहा था, कोई पता नहीं ये फ्रॉड किस तरह से पकड़ में आया था। जिस टाइम पे फ्रॉड पकड़ में आया था उस टाइम पे हम बैंक में ना कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे थे, हमने तो नहीं पकड़ा था, बट किसी ने बैंक के ही किसी ऑफिसर ने ही शायद इस फ्रॉड को वहां पर उस टाइम पर आइडेंटिफाई किया था। मेन नॉलेज में नहीं है कि बंदा कौन था वो, मतलब कि बैंक का ही बंदा था या कोई और अलग से इंस्पेक्शन वगैरह हुआ था, लेकिन इस तरह का एक फ्रॉड पकड़ में आया था। अब ये क्या है कि किसी ने सिस्टम को एक्सेस करके सिस्टम की प्रोग्रामिंग को चेंज किया, तो रिस्क क्या क्या है? डेटा को एक्सेस कर सकता है, डेटा को चेंज कर सकता है, तीसरा प्रोग्रामिंग को ही चेंज कर सकता है, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, आपका डेटा लॉस हो सकता है, बेटा सिस्टम करप्ट हो गया तो डेटा गया। सर बैकअप होगा? हाँ बैकअप एक कंट्रोल है, बट रिस्क तो है ना, डेटा का लॉस हो सकता है। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम में चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी लेकिन वो चेंज टाइम से नहीं हुआ। जिस टाइम पे ये GST आया था तो मैं देख रहा था कि काफी सारे जो हम शॉपिंग करके आते थे तो काफी सारे जुलाई या अगस्त के आसपास भी उन्होंने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया था, और जो बिल आता था वो वैट का बिल आता था, वहां पर वैट को वो मैनुअली काट के फिर वहां पर वो GST लिखते थे, CGST, SGST, 99% या 2.5%, तो वहां पर वो मैनुअली उस बिलिंग को चेंज कर रहे थे। यानी कि प्रॉब्लम क्या हुई कि लॉ चेंज हुआ है, सिस्टम को अपग्रेड करने की, सिस्टम को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, बट आपने अपने सिस्टम को चेंज नहीं करा। जैसे ये भी बताओ, GST के रेट चेंज होते नहीं होते कि पहले 12% में था 18% में आ गया, 18 वाला 12 में चला गया, ऐसे भी चेंजेस होते रहते हैं। तो जब जब ये चेंज होंगे तो क्या आपको सिस्टम में भी जो अपना बिलिंग का प्रोग्रामिंग है
क्या उसको भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। एक रिस्क ये है कि शायद आप वो चेंज ना करो और सिस्टम जो बिलिंग कर रहा है वो पुराने नॉर्म्स पे ही आपकी बिलिंग करता हुआ चलता रहे। तो फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, इन एप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, कि मानवीय हस्तक्षेप तो होना तो नहीं चाहिए था और इन एप्रोप्रिएट तरीके से मैनुअल इंटरवेंशन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बेटा ये सिस्टम की एप्लीकेशन होगी उसको इफेक्ट करेगा और डेटा गलत जनरेट करेगा। एक रिस्क ये भी है। इन एबिलिटी टू एक्सेस डेटा एज रिक्वायर्ड, आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्यों? सर्वर नॉट फाउंड, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। ऑनलाइन रियल टाइम काम करना है तो कनेक्टिविटी का होना जरूरी है, और अगर कनेक्टिविटी नहीं है, इनकेस अगर कनेक्टिविटी निकल के नहीं आई, तो रिस्क क्या होगा? आप सिस्टम को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। आप किसी सरकारी बैंक में जाओ, और सरकारी बैंक में जाओ, जनरली कुछ बैंक ऐसे हैं, नाम बस ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जाऊंगा और मालूम चलता है कि सर अभी ना कनेक्शन नेटवर्क नहीं आ रहा, तो अभी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। बैठ रहो बेटा वहां पर, कब नेटवर्क आएगा? बिकॉज जब तक नेटवर्क नहीं आएगा एक सिंगल ट्रांजेक्शन आप रन नहीं कर सकते। तो इन एबिलिटी टू एक्सेस डेटा इज रिक्वायर्ड, मुझे डेटा को एक्सेस करना है। अब डेटा को एक्सेस करना है, चलो SBI का एग्जांपल ले लो। SBI की एक ऐप है योनो, बड़ी थकी हुई ऐप है। दिन में कम से कम 2 या 3 बार तो ऐसा होता होगा जब मैं लॉग इन कर रहा हूं, बट टेक्निकल एरर कर ही नहीं पा रहे। इन एबिलिटी टू एक्सेस डेटा एज रिक्वायर्ड, टेक्निकल एरर वहां पे शो कर रहा है। रिलायंस ऑन सिस्टम और प्रोग्राम डेट इज इन एक्यूरेटली प्रोसेसिंग डेटा और प्रोसेसिंग इन एक्यूरेट डेटा, दोनों में डिफरेंस है। गलत डेटा कर रहा है प्रोसेस, डेटा को गलत तरीके से कर रहा है प्रोसेस, और बोथ। सर ये कब पॉसिबल है? किसी ने सिस्टम की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया, आपको पता नहीं चला, तो आप तो ऐसे सिस्टम पर विश्वास करके बैठे होंगे जो डेटा को गलत तरीके से कर रहा है प्रोसेस। यानी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि किसी ने बैंक की ऑफिशियल ने सिस्टम की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया और डेटा को गलत तरीके से कर रहा है प्रोसेस, सपोज ये चीज अगर 5 साल तक चलती रही तो 5 साल तक बैंक के ऑफिशियल्स इस सिस्टम पर विश्वास करके बैठे हुए थे जो सिस्टम को, जो डेटा को गलत तरीके से प्रोसेस कर रहा था। और एक प्रॉब्लम यहां पर एक्सेसिव एक्सेस, प्रिविलेज एक्सेस सुपर यूजर, कि कुछ ऑफिसर्स को ऐसी एक्सेस मिल जाती है जो मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि इंटरनल चेक का एक मिस, कह सकते हो कि इंटरनल चेक का एक डेफिशिएंसी है। इंटरनल चेक क्या कहता है? कि एक का काम कोई दूसरा चेक कर ले ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहां पर हम ड्यूटीज जो होते हैं प्रॉपर सेग्रीगेट करते हैं, SOD बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हम यहां पर कैसे एंश्योर करते हैं? कि हम केवल कुछ उन्हीं फाइल को एक्सेस करना आपको अलाउ करेंगे जो आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगता है कि हाँ आपको इन इन फाइल पे एक्सेस मिलना चाहिए। बट कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको मल्टीपल फाइल्स के ऊपर एक्सेस मिल जाती है, इनको बोलते हैं हम सुपर यूजर। और सुपर यूजर अपनी इस सुपर पावर का एक गलत फायदा ले सकता है। एक रिस्क ये भी है, उसको सुपर एक्सेस मुझे देनी ही पड़ेगी, प्रिविलेज एक्सेस, एक्सेसिव एक्सेस देना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट का कारण बन जाता है कि इस बंदे का अगर दिमाग खराब हुआ, दिमाग चेंज हुआ, तो ये इसी पावर का नाजायज फायदा यहां पर उठा सकता है। तो ये है सम IT रिलेटेड रिस्क। इसका एक कोड आप याद कर सकते हैं, यूपी में काबा, यूपी में FIR, एक सॉन्ग चलता ना यूपी में काबा, तो यूपी में FIR, करो क्राइम यूपी के अंदर। तो बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी आपके ऊपर FIR कराने के लिए। तो यूपी में FIR, व्हाट इज यूपी? हियर यूज फॉर अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड तरह से एक्सेस करना, अनऑथराइज्ड तरह से चेंजेस कर देना। पी इज फॉर पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, यूपी। नाउ FIR, व्हाट इज F? फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, F। व्हाट इज I? I is for inappropriate manual intervention. I for inability to access data as required. अच्छा, यूपी में ना P में एक पॉइंट और याद कर लेना, प्रिविलेज एक्सेस का। तो P से बन रहा था यहां पर एक पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, और P से याद करना प्रिविलेज एक्सेस। नाउ FIR, F is for failure. I for inappropriate manual intervention. Inability to process data as required. And R is for reliance on system or program that is processing inaccurate data, processing inaccurate data and processing data inaccurately. तो यूपी में FIR,
क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा इस कोड के बेस पर। एग्जाम में क्या इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना? नहीं बेटा, बिल्कुल भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको बिल्कुल भी इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना। यूपी में FIR, यूपी में FIR, क्लियर? हाँ सर क्लियर है, चले आगे। चलिए अब अगर देखिए, अगर जो ये रिस्क अभी हमने पढ़े यूपी में FIR, अगर इन रिस्क को नहीं रोका गया, अगर इन चीजों को नहीं रोका गया तो आपकी ऑडिट पर इस बात का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? खुद सोचिए इसको, अपने एंड पर सोचिए। आप ऑडिट कर रहे हो और आपने जब एंटिटी के एनवायरमेंट के बारे में, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग को लेना शुरू करा, तो आपको कुछ आईटी रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई हुए, आईटी रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई हुए, तो उस केस में इसका आपकी ऑडिट पर क्या असर पड़ेगा? सोच सकते हो, अगर मुझे क्लाइंट के यहां पर जब मैं उसके ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की एक अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन कर रहा था, तो मुझे वहां पर कुछ आईटी रिलेटेड रिस्क दिखाई दिए, अगर इन रिस्क को ओवरकम नहीं किया गया, इन रिस्क को अगर रोका नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो इसका आपकी ऑडिट पर क्या क्या असर पड़ेगा? तो आपके ऑडिट पे क्या असर पड़ेगा, इन्होंने इसको यहां पर तीन लेयर में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एक असर पड़ेगा आपके कंट्रोल्स के ऊपर, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर। एक असर पड़ेगा इसका आपकी सब्सटैंटिव ऑडिट के ऊपर, और एक असर पड़ेगा आपका इसकी रिपोर्टिंग के ऊपर। अगर देखो, इसका एक क्वेश्चन ये भी पॉसिबल है, डिस्कस इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट, ये भी बोल सकता है, डिस्कस इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट, वो सिंपली ये भी कह सकता है आपसे, डिस्कस इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट, कि आईटी रिलेटेड रिस्क का ऑडिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया तो आपको ये याद होना चाहिए कि तीन लेयर में, तीन अलग अलग लेयर में इसके इंपैक्ट को क्लासिफाई किया गया। एक कंट्रोल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंट्रोल का मतलब बात कर रहा हूं मैं बेसिकली यहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर। एक दूसरा की क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपका सब्सटैंटिव ऑडिट पर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद आप क्या करते हो, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। और एक इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपकी रिपोर्टिंग पर। रिपोर्टिंग की बात करें तो मुझे कंट्रोल की डेफिशिएंसी मिली है, तो रिपोर्टिंग मुझे लेटर ऑफ वीकनेस के जरिए मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है, दोष चार गवर्नेंस को रिपोर्ट करना होता है, और इसके अलावा 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के इफेक्टिव इनके डिजाइनिंग एंड इफेक्टिव ऑपरेशन पर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। एक सेकेंड, चलिए, देयर आर सम स्पेसिफिक रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल इन आईटी एनवायरनमेंट। वो स्पेसिफिक रिस्क कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्पेसिफिक रिस्क अभी हम कवर करके आए हैं। यूपी में FIR, नाउ इफ दोज रिस्क आर नॉट मिटिगेटेड, अगर इन रिस्क को नहीं रोका गया, अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया, दे कुड हैव एन इंपैक्ट ऑन ऑडिट इन फॉलोइंग वेज, किन किन तरीकों से इनका आपके ऑडिट पर इंपैक्ट पड़ेगा। पहला, इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं इंपैक्ट ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंपैक्ट ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये बताइए कि अगर मुझे आपके यहां पर आईटी रिलेटेड रिस्क दिखाई दे रहे हैं तो इनहेरेंट रिस्क क्या होंगे आपके यहां पर, कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, और अगर इनहेरेंट रिस्क अगर हाई है तो इसका मतलब है सर मुझे आपके यहां पर कंट्रोल को डिटेल में टेस्ट करना पड़ेगा, मैं आपके कंट्रोल के ऊपर आप अब इतना ज्यादा डिग्री ऑफ रिलायंस प्लेस नहीं कर सकता। ऑडिटर कैन नॉट रिलाय ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, मैं आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता। ऑडिटर कैन नॉट रिलाय ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ऑडिटर कैन नॉट रिलाय ऑन आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। ये सर कौन से कंट्रोल्स होते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद इसमें हम कुछ कंट्रोल्स के टाइप डिस्कस करेंगे तो ये कंट्रोल ज्यादा आपको समझ में आएंगे, बट अभी आप इतना दिमाग में रखिए कि मैं आईटी रिलेटेड जो कंट्रोल्स होते हैं अब मैं उनके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता, तो मैं ऑटोमेटेड कंट्रोल, सर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स वो होंगे जो ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद अपने एंड पे परफॉर्म करेगा, इन कंट्रोल को मैनुअल वे में एक्सरसाइज नहीं किया जाता। जैसे आप एटीएम से कैश निकालते हो और एक रॉन्ग पिन एंटर करते हो
सिस्टम पे एक मैसेज आएगा इनकरेक्ट पिन, तो ये बताएगी कि ये कंट्रोल है या नहीं है। ये एक कंट्रोल है, क्या ये कंट्रोल मैनुअल मीन के जरिए एक्सरसाइज हो रहा है या ये एक तरीके का ऑटोमेटेड कंट्रोल है। सर ये एक तरीके का ऑटोमेटेड कंट्रोल होता है। आप कोई आईटीआर फाइल कर रहे हो, सपोज कि आईटीआर यू आप फाइल कर रहे हो, फाइल करिए कभी आप लोगों ने, नहीं करी होगी शायद। आईटीआर यू होती है अपडेटेड, यूज फॉर अपडेटेड रिटर्न। तो आईटीआर यू फाइल करने के लिए मुझे एक जेसन फाइल जनरेट करनी होती है, उसको मैं पोर्टल पे अपलोड करता हूं। और जब मैं पोर्टल पे अपलोड करता हूं उसको, तो उस फाइल में अगर कुछ गलतियां हैं, एरर हैं, तो वो पहले वो एरर की लिस्ट निकाल के देगा, बोले ये गलतियां अभी इस फाइल के अंदर हैं, पहले प्लीज इन गलतियों को आप पहले सही करिए, उसके बाद ही मैं इसको प्रोसेस करूंगा। बेसिकली वो किसी भी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने से पहले ये देख रहा है कि एक सही कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है नहीं आई है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे पास आया नहीं। वो अगर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होंगी या इनएक्यूरेट होंगी तो प्रोसेसिंग कभी भी कंप्लीट या एक्यूरेट मैनर में आ ही नहीं सकती। तो वहां पर भी कंट्रोल है, और वो कंट्रोल क्या है बेटा, ये एक तरीके का ऑटोमेटेड कंट्रोल है जो कि आपके सॉफ्टवेयर में ही लगाया हुआ है। कभी आपने रिफंड के लिए अप्लाई करा जीएसटी के रिफंड के लिए? ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं आपको इस तरह के, बिकॉज इन सारी चीजों पर मैंने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है। तो अभी मैं एक बंदे का रिफंड अप्लाई कर रहा था, तो रिफंड को अप्लाई करने के बाद यहां पर भी क्या होता है, एक जेसन फाइल जनरेट होती है। जब एक पहले एक फाइल पे मुझे काम करना होता है, एक स्टेटमेंट 1A होता है, सारा डेटा मुझे वहां पर डालना होता है, और उस डेटा को वहां पे डालने के बाद मैं उसकी एक जेसन फाइल निकालता हूं, और उस जेसन फाइल को फिर मैं पोर्टल पे अपलोड करता हूं। पोर्टल पे अपलोड करने के साथ ही भाई साहब, अगर आपकी उस फाइल के अंदर सपोज की 1000 एंट्री है, तो कहां कहां पर क्या क्या गलतियां हैं, इवन अगर 10 पैसे का भी डिफरेंस होता है कि आपने परचेस की वैल्यू इतनी बताई है जबकि यहां पर परचेस की वैल्यू इतनी है, या मैंने इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, तो वो विद इन दिस सेकंड, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड वो लेता है, और उसके बाद वो पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करता है कि भाई साहब ये चीजें पहले गलत हो रही है। अब ये बताओ कंट्रोल है या नहीं है? कंट्रोल है नहीं है, क्या ये कंट्रोल मैनुअली काम कर रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल कि मैंने जैसे जेसन फाइल जनरेट करी तो वहां पर कोई डिपार्टमेंट में एक बंदा बिल्कुल स्क्रीन पर देख रहा होगा कि हाँ जेसन में क्या क्या डेटा आया? जेसन का डेटा तो वैसे भी आप मैनुअली रीड ही नहीं कर सकते, तो वो सिस्टम ही फाइल को रीड करता है इस तरह की। तो वहां पे डेटा आया, और क्या उसने जल्दी से देखा कि हाँ अच्छा ये गलतियां हैं, उसने फटाफट से आपको मैसेज दिया हो? सारा काम कौन कर रहा है भाई साहब? ये सिस्टम कर रहा है। सिस्टम में ही कंट्रोल लगे हुए होते हैं, वो कंट्रोल जो सिस्टम में ही लगे हुए होते हैं, मैनुअली ऑपरेट नहीं होते, उनको बोलते हैं हम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। तो अगर मुझे सर अभी तक कुछ नहीं किया है, क्यों कुछ नहीं करा? मैंने करी है सर। तो जिसको मैंने आईटीआर यू वाला जो एग्जांपल दिया है वो समझ गया होगा कि आईटीआर यू में क्या हो रहा है कि एक जेसन फाइल मैं जनरेट करके पोर्टल पर अपलोड करता हूं, और वहां पे कुछ गलती अगर होती है तो वो गलती को हाईलाइट करता है। जीएसटी रिफंड के लिए कभी अप्लाई किया हो तो मुझे पहले एक फाइल पे काम करना होता है, सारा डेटा उस फाइल में लेते हैं हम, और वो उस फाइल का फिर मैं एक जेसन फाइल जनरेट करता हूँ, फिर उसको मैं पोर्टल पे अपलोड करता हूँ, और जब उसको हम पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो वो आपकी सारे जितनी भी एंट्रीज थी सबको वैलिडेट करता है, और उसकी वैलिडेशन में जितनी भी एरर्स आएंगी, एरर की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो आप, तो बताता है कि भाई इस जगह पे ये एरर है, इनवॉइस नंबर मिसमैच कर रहा है, डेट मिसमैच कर रही है, अमाउंट मिसमैच कर रहा है, ये सारी चीजें बेटा विद इन द सेकंड जनरेट कर देता है। तो कंट्रोल है या नहीं है? कंट्रोल तो है। तो ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल। सेकंड वन इज ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। यानी कि कंट्रोल तो मैनुअली ऑपरेट होंगे लेकिन आईटी पर डिपेंडेंट है, यानी कि सिस्टम से डेटा जनरेट होता है, सिस्टम से डेटा जनरेट हुआ है तो आईटी डिपेंडेंट है, लेकिन अब कंट्रोल जो होंगे वो मैनुअली यहां पर एक्सरसाइज किए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि हर एक तारीख को मेरे को एक अमाउंट पे करना होता है 10,000 रुपए का। अब एक तारीख को मुझे एक 10,000 रुपए का एक पेमेंट करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो है ना अकाउंट से मेरे लिंक नहीं है, यानी कि वो पेमेंट करने के लिए मुझे मैनुअली एक काम करना होगा कि मैं प्रॉपर ऐप पे जाऊंगा और उस जगह पर मैं 10,000 रुपए की एक पेमेंट को मैं इनिशिएट करूंगा। अब जो पैसा अकाउंट से कट जाए वहां पर मैं निश्चिंत रहता हूं कि भाई साहब ये मैं भूल ही नहीं, मैं तो भूल जाऊंगा लेकिन जो सिस्टम है वो नहीं भूलेगा, वो मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा। लेकिन इस पेमेंट को लेकर ना मैं बहुत ज्यादा सतर्क रहता हूं, बिकॉज सिविल खराब होने का डर रहता है कि अगर आपने कुछ भी रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो। और अभी इस बार ये हुआ कि मैं ये पेमेंट भूल गया। एक तारीख को पेमेंट करना था मुझे, 2 तारीख को सुबह सुबह क्लास लेते समय ध्यान आ गया, ओ शिट यार कल एक पेमेंट जानी थी, वो पेमेंट दिमाग से निकल गई और मैंने तभी की तभी वो इमीडिएटली पेमेंट वो कर दिया। और दोपहर को मेरे पास फोन आ रहा था एक, सर वो कल एक पेमेंट आना था लेकिन वो पेमेंट आपके अकाउंट से हुआ नहीं है सर। तो मैंने कहा कि नहीं 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 वो मैंने सुबह सुबह कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि एक तारीख को
जिस जिस पर्सन ने वो पेमेंट नहीं करी होगी, सिस्टम ने उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करी होगी। एक तारीख को जिस जिसने वो पेमेंट नहीं करी होगी उसकी एक रिपोर्ट जनरेट हुई होगी, और जो अब कॉलिंग हो रही है ये मैनुअल कंट्रोल है। कॉलिंग जो हो रही है वो मैनुअल कंट्रोल है, लेकिन मैनुअल कंट्रोल आईडी डिपेंडेंट है, बिकॉज जब तक सिस्टम से डेटा नहीं आएगा कॉलिंग करना शुरू नहीं कर सकता। तो समझ में आ रहा है, तो ये भी एक तरीके का कंट्रोल है, मैनुअल कंट्रोल है बट आईटी डिपेंडेंट है, बिकॉज सिस्टम से जो डेटा रिपोर्ट जनरेट होता है उसी को यूज करते हुए इस कंट्रोल को हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ऑडिटर ऐसे कंट्रोल पर विश्वास नहीं कर सकता। फॉर रिफंड वन है, हाँ एग्जैक्टली, बट स्टेटमेंट वन ए फॉर सेल अनेक्श्योर बी फॉर आईटीसी, सो मेन डिटेल्स नीड पुट, बिल्कुल ये सही एग्जाम्पल दिया है आपने। तो स्टेटमेंट वन ए होता है, उस स्टेटमेंट वन ए के अंदर अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए रिफंड अगर अप्लाई कर रहे होते हो तो परचेस की डिटेल, सेल्स की डिटेल सब कुछ वहां पर फीड करना होता है। और वहां पर एक कंट्रोल तो वहां पर ही है कि सिस्टम पहले उस डेटा को वैलिडेट करता है, और फिर जो उस फाइल में डेटा आया है और जो पीछे कभी सिस्टम में डेटा डाला गया था, बिकॉज परचेस के इनपुट्स वगैरह होंगे तो किसी ना किसी ने सेल रिपोर्ट कर रखी होगी, वो डेटा को क्रॉस चेक करता है। ये काम बहुत फास्ट बैनर में हो जाता है, मतलब विद इन द सेकंड आपकी फाइल को वैलिडेट कर देता है, वो कंप्लीट मिनट भी नहीं लेता। और एक फाइल में 10,000 एंट्री अलाउ है, स्टेटमेंट वन ए जो होता है 10,000 तक एंट्री अलाउ होती है उसके अंदर। तो अगर सोचिए कि 10,000 एंट्रीज को कोई सॉफ्टवेयर अगर विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 2-3 सेकंड से ऊपर नहीं, विद इन सेकंड्स वो अगर कंप्लीट कर रहा है, तो सोचो कंट्रोल कितना अच्छा रहता होगा। और पैसे का भी डिफरेंस है ना भाई साहब, 10 पैसे या 20 पैसे का मिसमैच है, वो प्रोसेस करेगा ही नहीं भाई साहब, पहले ये एरर ठीक करिए। तो रिफंड अप्लाई करना आज के टाइम पे जीएसटी का वो काफी ज्यादा इजी हो चुका है। तो ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल, ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। सिस्टम डेटा, सिस्टम से जो डेटा जनरेट होता है, सिस्टम से जो रिपोर्ट जनरेट होती है, शुड बी टेस्टेड सब्सटैंटिवली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। सेम यही पॉइंट अभी कॉपी एंड पेस्ट होता हुआ दिखाई देगा आपको जब मैं बात करूंगा इंपैक्ट ऑन सब्सटैंटिव ऑडिट। तो सिस्टम से जनरेटेड डेटा एंड सिस्टम से जो जनरेटेड रिपोर्ट है उनको आपको सब्सटैंटिवली टेस्ट करना होता है, उनकी कंप्लीटनेस और उनकी एक्यूरेसी को लेकर। और अगर सोचिए कि कंट्रोल अगर वीक होते हैं तो मोर सब्सटैंटिव ऑडिट वर्क इज नीडेड। सर ऐसा क्यों? बिकॉज अगर कंट्रोल वीक हुए तो उस केस में रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होगा बच्चे, वो ज्यादा होगा। और रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा आपको सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। 4 पॉइंट याद करने हैं आपको इंपैक्ट ऑन कंट्रोल क्या क्या होंगे। तो इंपैक्ट, ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल, ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। जो सिस्टम डेटा है, जो सिस्टम की रिपोर्ट है, उनको आपको सब्सटैंटिवली चेक करना होता है, उनकी कंप्लीटनेस और उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। और ज्यादा सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आपको यहां पर परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। बट नीड पे फॉर ऑफिसर्स, बेटा अगर आपके डेटा स्ट्रॉन्ग है ना, ऑफिसर्स तो देखो पैसे खाएगा, लेकिन सोचिए जो पहले खाते थे और जो अब खाते हैं उसमें डिफरेंस है। मैंने एक क्लाइंट का रिफंड अप्लाई किया था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसका लगभग 24 या 25 लाख का एक रिफंड था, और पैसे तो खिलाए होंगे डिपार्टमेंट जाके, पर इतना ज्यादा नहीं खिलाए गए थे, कमी नहीं है कोई डॉक्यूमेंट के अंदर, सब कुछ ऑनलाइन है भाई साहब। यानी कि कुछ भी एक प्रॉब्लम होती तो मेरी एप्लीकेशन फाइल ही नहीं हो सकती थी, यानी एप्लीकेशन फाइल हुई है, कुछ कमी होती है तो देखो डेफिशिएंसी मेमो जनरेट हो जाता है, फिर मुझे डेफिशिएंसी को खत्म करते हुए पूरी एप्लीकेशन को दोबारा फाइल करना होता है। बट अगर डेफिशिएंसी मेमो नहीं आया तो एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ जाती है, और जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट का ARN जनरेट होता है डिपार्टमेंट को, 60 दिनों में फिर आपका रिफंड प्रोसेस करना होता है, फिर उस केस में कुछ कर नहीं सकते। और वो तो चलो मेरी अच्छी बात है कि मैंने कुछ पैसे खिला दिए वहां पर, इनकेस अगर मैं ना भी खिलाऊं और मेरे फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें रिफंड प्रोसेस करना ही पड़ेगा ARN जनरेट होने के 60 दिनों के अंदर। तो ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम, जो सिस्टम से डेटा मिला है मैं उस पर रिलाई नहीं कर सकता। बात कर रहे हैं हम यहां पर इंपैक्ट ऑन सब्सटैंटिव ऑडिट क्या आया। तो ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से जो डेटा मिला है मैं रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि कंट्रोल आपके यहां पर वीक थे, आपके सिस्टम को कोई बंदा एक्सेस कर सकता है, डेटा चेंज कर सकता है, सॉरी मैं आपके सिस्टम से जनरेटेड डेटा पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता। और सेम यही पॉइंट जो मैंने कहा था कॉपी एंड पेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटैंटिवली
फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट को आपको सब्सटैंटिवली टेस्ट करना होगा कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी के लिए। एंड मोर ऑडिट एविडेंस इज नीडेड, मोर एविडेंस, सफिशियंसी को हाई रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? SA 500 याद करो कि ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशियंसी का डिटरमाइन करने वाले तीन फैक्टर थे वहां पर, MRP, मैटरिटी ऑफ आइटम इन्वॉल्व, डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड साइज एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई है, रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर हाई है, तो ऑडिट एविडेंस की सफिशियंसी भी आप क्या करेंगे उस केस में, हाई करेंगे, मोर ऑडिट एविडेंस इज नीडेड। तो मैं सिस्टम से जनरेटेड डेटा पर रिलाई नहीं कर सकता, सिस्टम से जनरेटेड डेटा एंड रिपोर्ट को सब्सटैंटिवली चेक करना होगा उनकी कंप्लीटनेस और उनकी एक्यूरेसी के लिए, और मोर ऑडिट एविडेंस की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। तो ऊपर हमने कंट्रोल में 4 पॉइंट देख पड़े, यहां पर 3 पॉइंट एंड लास्ट वन इज इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। तो यहां पर रिपोर्टिंग का मतलब बेटा रिपोर्टिंग ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू पर नहीं है, कभी आप वहां से लिंक करें। यहां पर रिपोर्टिंग का मतलब रिपोर्टिंग ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, इसको ध्यान से बच्चे देख लेना। यहां पर रिपोर्टिंग का मतलब ये वाली रिपोर्टिंग नहीं है। सर ये रिपोर्टिंग किसके ऊपर है? ये रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपकी रिपोर्टिंग विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल? तो कम्युनिकेशन विद दोष चार विद गवर्नेंस, आपको दोष चार विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करना होगा। किस तरह से? ये होगा एक लेटर ऑफ वीकनेस, लेटर ऑफ वीकनेस जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 265 आप देते हो दोष चार विद गवर्नेंस को एज वेल एज टू द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी एंड मॉडिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर नहीं, ये मॉडिफाइड रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिपोर्टिंग ऑफ 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में आप कर रहे थे। हाँ देखो, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर आपको मिली तो रिपोर्ट मॉडिफाई करूंगा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी, बट ऐसा पॉसिबल है कि आपको जो गलतियां मिली, आपको कंट्रोल में गलत कमियां मिली थी, तो मैं रिपोर्ट मॉडिफाई करूंगा केवल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को लेकर अगर कंपनी में 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है तो। क्लियर? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में कंट्रोल्स के टाइप्स डिस्कस करने हैं, देखिए ध्यान से। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। क्लियर है सर? डिस्कस टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। देखिए ध्यान से, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। जब मैं एप्लीकेशन कंट्रोल की बच्चे बात करता हूं तो ये होते हैं बेसिकली कंट्रोल्स ओवर इनपुट, कंट्रोल्स ओवर इनपुट, कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल्स ओवर आउटपुट। और ये जो कंट्रोल्स ऑपरेट होते हैं, ये कंट्रोल्स आपको मैनुअल भी मिल सकते हैं और ये कंट्रोल्स आपको ऑटोमेटेड भी मिल सकते हैं। ऑटोमेटेड, जैसे कुछ मैं एग्जांपल देता हूं इस जगह पर, देखिए ध्यान से।
वैलिडेशन चेक, वैलिडेशन चेक क्या होता है? जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए उसी फॉर्मेट में डेटा आए, इस पर्पस के लिए आप वैलिडेशन चेक लगाते हो। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट मुझे DDMMYYYY चाहिए, अगर आप किसी और फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ की अगर आप एंट्री करोगे, सिस्टम इसको एक्सेप्ट करने से मना करेगा, कंट्रोल ओवर इनपुट तो है। एग्जाम्पल दिया वैलिडेशन चेक। जैसे कई बार आप TDS की उस पर देखना, जो ट्रेसिस का प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर ना वो एक दो जगह पर जो मंथ लेता है वो MMM फॉर्मेट में लेता है, यानी कि अगर जनवरी है तो 01 नहीं लिखेंगे आप, JAN लिखेंगे, फरवरी है तो FEB, तीन लेटर आपको शुरू को उठाने हैं स्मॉल लेटर्स में, वो इनपुट ले रहा है। अगर आप वहां पर जनवरी के लिए 01 या फरवरी के लिए आप 02 मेंशन करेंगे तो वो आपके इस इनपुट को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बिकॉज वहां पर एक वैलिडेशन चेक लगा हुआ है जो कि एक तरीके का ऑटोमेटेड कंट्रोल है, सिस्टम में ही लगा हुआ है। जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होते हैं वो मैन्युअली ऑपरेट नहीं होंगे, लेकिन जब तक हम किसी ट्रांजेक्शन को अप्रूव नहीं करेंगे मैन्युअली, तब तक ये ट्रांजेक्शन बेटा इनिशिएट हो ही नहीं सकती। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से पहले पहले चीजों को अप्रूव करना होता है, तो ट्रांजेक्शन करने से पहले अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। ये एक तरीके का कौन सा कंट्रोल है? ये मैनुअल कंट्रोल है। तो यानी कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स आपको मैनुअल भी देखने को मिल सकते हैं, एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स आपको ऑटोमेटेड भी देखने को मिल सकते हैं। और ऑटोमेटेड जो कंट्रोल्स होते हैं वो सिस्टम में ही आपके शामिल होते हैं। जैसे कई बार आप कोई अपनी सोशल मीडिया का अगर आप कोई यूजर आईडी क्रिएट करते हो, सेम यूजर आईडी से कभी भी दो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जो यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसी यूजर आईडी से अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना चाहा, तो वो कहता है कि सॉरी, इस यूजर आईडी से ऑलरेडी एक अकाउंट एग्जिस्ट करता है। ये था कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग, वो डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं कर रहा, वो डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं कर रहा। तो कंट्रोल ओवर इनपुट, कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ओवर आउटपुट, दीज आर द एप्लीकेशन कंट्रोल, जो कि कुछ जगह पर मैनुअली चलते हैं और कुछ जगह पर चलते हैं ये ऑटोमेटेड। जो सिस्टम में ही कंट्रोल लगे हुए होते हैं कि भाई आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है 5,000, बट आप 10,000 ATM से निकाल रहे हो, कि सिस्टम आपके ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेगा नहीं करेगा? माना कि आपने इनपुट जिस फॉर्मेट में चाहिए थे वो इनपुट गए, बट ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने से मना कर दी गई, इनसफिशियंट फंड वहां पर लिखा हुआ आ गया। तो इनसफिशियंट फंड की वजह से अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे सिस्टम ने प्रॉपर एक मैसेज दिया होगा। अब तो मैंने ये भी देखा था कि अगर आपके अकाउंट में इनसफिशियंट फंड है, ट्रांजेक्शन फेल होती है ड्यू टू इनसफिशियंट फंड, तो उस केस में बैंक आपसे अलग से कुछ चार्ज लगाने की, शायद मैंने कुछ मैसेज पढ़ा था इस तरह का सोशल मीडिया पर, श्योर नहीं हुई कंफर्म है या नहीं, बट अगर ATM ट्रांजेक्शन फेल होती है ड्यू टू इनसफिशियंट फंड, तो बोले आपने बैंक का जो टाइम है वो खराब करा। अपना तो खरा ही करा, हमें आपके टाइम की वैल्यू नहीं है, बट हमें हमारे टाइम की वैल्यू है। जब अकाउंट में पैसा नहीं था तो आप ATM क्यों आए, आपने ATM यूज क्यों किया, इस बात का चार्ज अब आपके ऊपर लगाया जा रहा है विद GST, ठीक है ना? तो ये कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग था, बिकॉज आपके अकाउंट में सफिशियंट फंड नहीं था, ट्रांजेक्शन कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुई। इन कंट्रोल्स ओवर इनपुट, कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ओवर आउटपुट, आपके स्टडी मटेरियल में इन्होंने इनपुट पे कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, प्रोसेसिंग पर कंट्रोल कौन कौन से हैं, आउटपुट पर कंट्रोल कौन कौन से हैं, इनको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया। इनपुट कंट्रोल्स कुछ दिए हैं, जैसे कि सीक्वेंस नंबर चेक कह सकता हूं, लिमिट चेक आप बात कर सकते हो, वैलिडेशन चेक्स की आप बात कर सकते हो, ऑल दीज आर कंट्रोल ओवर इनपुट। फिर बात करते हैं IT डिपेंडेंट कंट्रोल, ये जनरली आपके मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, जो कि IT से जनरेट हुई डेटा या रिपोर्ट को यूज करते हैं और उसके बेस पर ये कंट्रोल काम होते हैं, काम करते हैं। यानी कि इन कंट्रोल्स का, IT डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स का इफेक्टिवली ऑपरेट होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि सिस्टम से डेटा कितना सही जनरेट हुआ है। सिस्टम से डेटा अगर सही जनरेट होगा तो ये कंट्रोल भी ठीक काम करेगा। अब सपोज कि अगर किसी ने अपनी ट्रांजेक्शन, किसी ने सपोज अपनी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से नहीं किया, तो इनकेस अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से नहीं करते हो तो उस केस में जैसे ही पेमेंट एक दिन का ओवरड्यू होता है, अब आपके पास बैंक से कॉल आना शुरू होगा कि सर ये पैसा था नहीं आया है, ये पेमेंट प्लीज आप करिए। तो अब इस केस में क्या है कि अगर सपोज किसी एक पर्सन का नाम जिसका पेमेंट ओवरड्यू था और रिपोर्ट में उसका नाम आने से ही रह गया, तो क्या उसके पास फॉलो अप के लिए कॉल जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज मैनुअल कंट्रोल जो काम कर रहे हैं वो तो IT से जो डेटा जनरेट हुआ है, जो डेटा रिपोर्ट जनरेट हुई है, उसके बेस पे ही मैनुअल कंट्रोल काम कर रहे हैं। अगर जो क्रेडिट कार्ड होल्डर का जो नेम है, अगर वो ओवरड्यू अमाउंट कितनी है, अगर वो डेटा में ही, रिपोर्ट में ही नहीं आई,
तो उसके पास कभी भी फॉलो अप के लिए फोन जाएगा ही नहीं। तो ये कंट्रोल्स जो होते हैं आईडी डिपेंडेंट कंट्रोल्स मैन्युअली होते हैं, मैन्युअली ऑपरेट होते हैं, लेकिन सिस्टम पे डिपेंडेंट करते हैं, बिकॉज सिस्टम से जो डेटा आया है, रिपोर्ट आया है, उसी के बेस पर ये काम करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईडी डिपेंडेंट कंट्रोल समझ में आया होगा। नाउ बात करते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या होते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स, दीज आर दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट सपोर्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। मतलब ये ऐसी पॉलिसी है, ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो एप्लीकेशन कंट्रोल के सपोर्ट में काम करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन कंट्रोल का इफेक्टिवली ऑपरेट होना ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपके जनरल आईटी कंट्रोल कितना ज्यादा स्ट्रांग है। सपोज जो क्लास मैं आपको इस तरह से प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं कह सकता हूं कि एप्लीकेशन कंट्रोल का अच्छा होना जरूरी है, बिकॉज जब चीजें सही एप्लीकेशन के जरिए हो रही होंगी तो ये क्लास आप देख पा रहे हो। लेकिन इस क्लास को अरेंज करने के लिए मुझे सुबह ही सुबह लक्ष्मण सर को भी फोन करना होता है, वो वहां से स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करते हैं। अब मेरे यहां से मेरा नेटवर्क प्रॉपर काम कर रहा है, मेरा जो मोबाइल कैमरा है जिसके जरिए आप ये रिकॉर्डिंग देख पा रहे हो ये प्रॉपर काम कर रहा है, मेरा सिस्टम ठीक काम कर रहा है, मेरा जो ऑडियो इनपुट लेने वाला है वो ठीक से काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम कर रहा है, मेरा जो कह सकते हो कि एक इंटरनेट कनेक्शन है वो प्रॉपर काम कर रहा है, तो एप्लीकेशंस मेरे यहां पर सेट है। लेकिन लक्ष्मण अगर सो के ना उठे, अगर लक्ष्मण सर सो के ना उठे, एक बार हुआ था ना आपके साथ, आपकी क्लास कैंसिल हुई थी क्योंकि लक्ष्मण सर को इतनी कॉल की थी, उन्होंने स्ट्रीमिंग को स्टार्ट ही नहीं किया था। तो लक्ष्मण सर एक तरीके का जनरल आईटी कंट्रोल है, वो जनरल कंट्रोल है, अगर वो कंट्रोल काम नहीं करेगा तो हमारा कंट्रोल धड़ा का धड़ा रह जाएगा। तो जनरल कंट्रोल्स जो होते हैं वो कह सकते हो कि डेटा की एक इंटीग्रिटी को मेंटेन करवाते हैं और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। अब सपोज डेटा प्रॉपरली, इनपुट भी अच्छा खासा है, यानी इनपुट पे कंट्रोल अच्छे हैं, प्रोसेसिंग पे कंट्रोल हमारे अच्छे हैं और आउटपुट पे कंट्रोल हमारे अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहां पर एक्सेस कंट्रोल नहीं है। एक्सेस कंट्रोल मतलब कि सिस्टम ने बहुत अच्छा काम कर दिया लेकिन एक प्रॉब्लम यह रह गई, किसी बंदे ने अनऑथराइज तरह से सिस्टम को एक्सेस करा और सिस्टम की एप्लीकेशन को चेंज कर दी, अब डेटा गलत हो रहा है प्रोसेस, या उसने डेटा ही चेंज कर दिया तो गलत डेटा वहां पर शो हो रहा होगा, जबकि सिस्टम ने तो काम सही किया था लेकिन डेटा वहां पर गलत शो हो रहा होगा। तो ये क्या है, आपका जनरल कंट्रोल वीक रह गया, एक्सेस सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल आपका वीक है। एक्सेस कंट्रोल वीक हो गया, इसकी वजह से असर पड़ा है किसके ऊपर, एप्लीकेशन कंट्रोल के ऊपर, प्रोसेसिंग गलत हो गई या आउटपुट हमारा गलत हो गया, प्रोसेसिंग सही थी बट आउटपुट गलत हो गया। तो जनरल आईटी कंट्रोल, दीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग या इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये लगा था कि जनरल आईटी कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक परवेसिव इफेक्ट लेके चलते हैं, देयर इज परवेसिव इफेक्ट ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन आंसर इज करेक्ट। बिकॉज जनरल आईटी कंट्रोल अगर वीक है तो सोचिए कि कोई बंदा रिमोट लोकेशन पर बैठ के कि आपके सिस्टम को एक्सेस करके प्रोग्रामिंग को या मास्टर फाइल के डेटा को एक्सेस करके चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। अगर इतना चेंज हो गया कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट भर भर के आ सकती हैं या नहीं आ सकती, डेफिनेटली आ सकती हैं, तो उस केस में असर पड़ेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो जनरल आईटी कंट्रोल इस जगह पे आप लगाते हो ताकि वो सपोर्ट कर सके, अच्छा सपोर्ट कर सके आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स को। देखिए ध्यान से, फॉलोइंग आर द कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, तीन तरह से क्लासिफाई किया, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। कंटेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो जनरल आईटी कंट्रोल में कंटेंट है, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल में कुछ खास कंटेंट नहीं है, पर इन्हें कवर करता हूं। देखिए एप्लीकेशन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स ओवर इनपुट, कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ओवर आउटपुट। एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल्स। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर एम्बेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशन एंड हेल्प इन ensuring the completeness
एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इन दो सिस्टम. एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड मैंडेटरी डेटा फील्ड्स, रेड मार्क लगा हुआ होता है कि जब तक ये इनपुट नहीं आएगा प्रोसेस करेंगे ही नहीं. वैलिडेशन चेक, इनपुट तो आप दे रहे हो लेकिन जिस फॉर्मेट में इनपुट चाहिए था उस फॉर्मेट में इनपुट नहीं आता, ये कंट्रोल काम करता है. सीक्वेंस नंबर चेक कि आप जो सिस्टम में वाउचर नंबर के रेफरेंस से आप एंट्री करते हो तो आप कोई वाउचर नंबर से अगर आप ऑलरेडी एंट्री कर चुके हो सेम वाउचर नंबर से सेम इनवॉइस नंबर से आप एंट्री करने का अटेम्प्ट करिए, सिस्टम एंट्री करना पास करना अलाउ करेगा नहीं. ये कहते हुए ऑलरेडी इस इनवॉइस नंबर से या वाउचर नंबर से एंट्री सिस्टम में हो चुकी है. यूजर लिमिट चेक एटसेट्रा, कई बार कुछ आप रॉन्ग पासवर्ड्स वगैरह डालते हो तो अटेम्प्ट काउंट होता है कि भाई एक बार गलत हो गया है, ठीक है तीन बार वार्निंग आती है, दूसरी बार भी गलत हो गया, लास्ट अटेम्प्ट बचा है ये भी गलत हुआ, अकाउंट 24 घंटे के लिए आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा. यूजर लिमिट चेक की बात कर सकते हैं. आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, ये जनरली मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं. तो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स दैट मेक यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम आईटी एंड एप्लीकेशन. एग्जांपल दिया था क्रेडिट कार्ड के ओवरड्यू की रिपोर्ट जनरेट होती है, फिर मैनुअली फॉलोअप्स होते हैं, कॉल जाती है बैंक से. इन दिस केस इवन दो कंट्रोल इज परफॉर्म्ड मैनुअली द डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल डिपेंड अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा. नाउ बात करते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स की. जनरल आईटी कंट्रोल्स आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशन एंड सपोर्ट द इफेक्टिव एप्लीकेशन या इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल. जनरल आईटी कंट्रोल दैट मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा कॉमनली इंक्लूड कंट्रोल ओवर फॉलोइंग, यानी कि कहां कहां पर जनरल आईटी कंट्रोल लगाए जाते हैं, कहां कहां पर जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं, कहां कहां पर जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं. इन्होंने चार एरिया बताए हैं जहां पर जनरल आईटी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं. कई बार बच्चा इनको इनको जनरल आईटी कंट्रोल समझता है कि डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन जनरल आईटी कंट्रोल है, या एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ये बच्चा समझता है जनरल आईटी कंट्रोल है. नहीं, ये एरिया हैं जहां पर जनरल आईटी कंट्रोल लगाए जाते हैं. जैसे डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, तो डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन में किस किस तरह के जनरल आईटी कंट्रोल्स देखो होते होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहां पर आती हैं. ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हम सिस्टम में जो डेटा है उसके बैकअप की हम बात करते हैं. अगर कल को सिस्टम में जो डेटा है वो करप्ट हो जाता है तो उसके रिकवरी रिकवरी फ्रॉम फेल्योर ये हम कैसे कर सकते हैं. तो ऑल दीज आर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन. आपके स्टडी मटेरियल में ना ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं हर एक एरिया पर, और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज की बैकअप कंट्रोल है तो बैकअप से रिलेटेड कंट्रोल्स कौन से एरिया का कंट्रोल है. चार ऑप्शन होंगे, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, या प्रोग्राम चेंज की बात करेगा यहां पर एक्सेस सिक्योरिटी एंड द लास्ट वन इज प्रोग्राम चेंज. तो आपसे एग्जाम में कोई भी एक एक्टिविटी का कंट्रोल की एक्टिविटी का एग्जाम्पल देगा और पूछेगा बताइए ये कंट्रोल की एक्टिविटी कौन से एरिया के कंट्रोल से बिलोंग करती है. तो इन एक्टिविटीज को बच्चे प्लीज आप ध्यान से आप देखना. तो ये है, इस वाले पॉइंट को आप इग्नोर करना, जो लाइन लिखी हुई है तो कॉमनली आपको हर एक जगह पर देखने को मिलेगी. टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये कॉमन मिलेगी. टू एंश्योर दैट सिस्टम आर डेवलप कॉन्फिगर्ड एंड सॉरी एक सेकेंड टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर, एक काम करिए क्रॉस करिए मत, कभी कंफ्यूजन हो अभी पढ़ा देता हूं आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्रॉस क्यों करवा रहा था. टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कोई भी कंट्रोल के एरिया की बात करूंगा सबका ऑब्जेक्टिव सेम मिलेगा आपको, टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कि प्रोडक्शन सिस्टम जो काम कर रहे हैं वो इस तरह से काम करें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके. टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये की लाइन आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी. टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, बात करते हैं देखो इस जगह पर एक्सेस सिक्योरिटी, टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव. प्रोग्राम चेंज की बात करते हैं, टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव. सर ऐसा क्यों,
भाई मैं जो ऑडिट करता हूं, तो ऑडिट करते हुए जो मैं कंट्रोल्स देखता हूं, मैं आपके ए टू जेड सारे कंट्रोल्स को लेके कंसर्न नहीं होता, मैं केवल उन्हीं कंट्रोल्स को लेके कंसर्न होता हूं जो केवल किसके लिए होता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए आप लगाते हो। बिकॉज मुझे केवल यही देखना है कि ऐसे कंट्रोल्स प्रॉपरली डिजाइन है, इफेक्टिवली ऑपरेट होते हैं या नहीं होते। बिकॉज इन्हीं कंट्रोल में कुछ कमियां हैं तो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। तो इन सबका पर्पस तो सेम है, टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ये की लाइन चाहे तो एग्जाम में कोई भी आ जाए, हर जगह पर आप लिख के आइए, टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, to ensure that production system are processed to meet financial reporting objective, कुछ इसकी activities आपको बताएं। Application system acquisition, development and maintenance। अब आपको एक automated environment बनाना है, तो ये बताइए application system होते होंगे, system software हैं, application software हैं, इनको acquire करना, develop करना, यानी कि या तो आप यहाँ पर बनवा रहे होंगे, develop कर रहे हैं, या इसको मैं purchase कर रहा हूँ, acquire कर रहे हूँ, और उसको आप मेंटेन कर रहे हो, क्या ये काम एक ऑथराइज मैनर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, कोई ना कोई इस चीज को ऑथराइज करेगा। टू एंश्योर दैट सिस्टम्स आर डेवलप्ड, कॉन्फिगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सिस्टम का एक्विजिशन, सिस्टम का डेवलपमेंट, सिस्टम की कॉन्फिग्रेशन, सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन, इवन इफ की सिस्टम का मेंटेनेंस एक ऑथराइज मैनर में हुआ या नहीं हुआ, इसमें एक्टिविटी क्या क्या होगी। एक्वायर करना सिस्टम को फ्रॉम थर्ड पार्टी, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करना, टेस्टिंग सक्सेसफुल है सिस्टम को इंप्लीमेंट करिए, इंप्लीमेंटेशन और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। गलती से इसको आप ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन मत समझ लेना, यह है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम की वर्किंग के रिगार्डिंग। जब एक सिस्टम डेवलप होता है ना बेटा, तो बहुत सारे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनते हैं कि ठीक है ट्रांजेक्शन को हमें किस तरह से प्रोसेस करवाना है। तो इस सिस्टम की वर्किंग को कल को समझना है, आज तो सिस्टम बनकर तैयार हो गया, कल को अगर मुझे सिस्टम समझना है तो सिस्टम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को देखकर मैं सिस्टम की वर्किंग समझ सकता हूं कि सिस्टम को कैसे कॉन्फिगर किया गया है, सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन किस तरह से आ रही है, ट्रांजेक्शन का प्रोसेस होने का फ्लो क्या है, वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन से आप समझ सकते हो। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली सिस्टम की आत्मा है भाई साहब, अगर ये समझ जाओगे आप सिस्टम को अच्छी तरह समझ जाओगे। और अगर सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर किसी का एक गलत एक्सेस मिल गया तो वो आपके सिस्टम की प्रोग्रामिंग को इसी के जरिए वो चेंज करता है। तो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का एक सेफ कस्टडी में होना जरूरी है। एक्सेस सिक्योरिटी, अब हम यहां पे कुछ सिक्योरिटी की बात करेंगे। सिक्योरिटी आपके डेटा की सिक्योरिटी हो सकती है, नेटवर्किंग की सिक्योरिटी हो सकती है, सर्वर की फिजिकल सिक्योरिटी हो सकती है, कोई भी सिक्योरिटी हो, एक्सेस कंट्रोल्स आपके यहां पर होने चाहिए। To ensure that access to program data is authenticated and authorized to meet financial reporting objective. Example दे कौन कौन सी control की activities यहाँ पर आती हैं, तो application की security, data की security, network की security, physical security and security से related proper policies and procedures. And last one is program change. System एक बार बन गया, क्या system में जो प्रोग्राम है जिस बेस पर सिस्टम काम करता है, क्या फ्यूचर में इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है नहीं आ सकती? बिलिंग का प्रोग्रामिंग चेंज करवानी है, 12% से 18 पे करवाना है या 18 से 12 पे करवाना है, या रिसेंटली अभी क्या हुआ है जो तंबाकू प्रोडक्ट होते हैं, तो तंबाकू क्या होता है कि जर्दा और पान मसाले के मिक्सचर को तंबाकू कहा जाता है। पहले कभी मार्केट में तंबाकू बिका करते थे, बट आज के टाइम पे तंबाकू की बिक्री बैन है। सर क्या बात कर रहे हो, रजनीगंधा तुलसी तो धड़ल्ले से पकता है, तानसेन है, दिलबाग है, पान बहार है, बड़ा ऑल दीज आर पान मसाला या जर्दा। पान मसाला एक अलग चीज है, खाया होगा भी बचपन में कभी, पान पराग, पान मसाला, पान पराग, दीज आर पान मसाला। और एक तरफ होता है जर्दा, जब पान मसाले को जर्दे के साथ मिक्स किया जाता है तब उस किस्म में गुटका बन जाता है, जैसे कि रजनीगंधा गुटका नहीं है, रजनीगंधा पान मसाला है, तुलसी क्या है ये जर्दा है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आता है तो वह गुटखा बन जाता है, जो नशीला पदार्थ बन जाता है, बेसिकली नशे का सेवन जो लोग करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि पहले इस पर जो सेस चला करता था तो 28% का दोनों के ऊपर ही जीएसटी रेट था, पान मसाले पे जो सेस चलता था वो 60% का था, और जर्दे पे जो सेस चलता था वो 160% का चलता था। बट रिसेंटली अभी 1 अप्रैल से क्या हुआ है, चीजें चेंज हुई है, और ये एमआरपी पर 51% का सेस लेके आ रहे हैं।
अब जब एमआरपी पे 51% का जब सेस आया, तो अब क्या हुआ कि बिलिंग ऑलमोस्ट रुकी हुई है। सर आपको इतना ये चीजें कैसे पता है? बेटा मेरे बहुत सारे क्लाइंट है, एक क्लाइंट मेरे पास है जिसके पास आईटीसी की एजेंसी है, इंडिया की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी है, इंडियन टबैको कंपनी। जितनी भी सिगरेट आप देखते हो ना, वो ऑलमोस्ट मोस्टली सिगरेट जो होती है वो आईटीसी के जरिए सेल होती है। और कुछ क्लाइंट है मेरे पास जिनके पास रजनीगंधा का काम है, तानसेन का काम है, दिलबाग का काम है। तो अब मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से उनके परचेस के बिल ऑफिस में नहीं आ रहे थे, तो डिस्कस किया, सर ऐसा क्या हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा क्या? बोले अरे सर वो सेस के रेट चेंज हुए हैं ना, तो अभी कोई कंपनी बिलिंग ही नहीं कर रही है। वो डिस्कस कर रहे हैं अपने सीएस के साथ बैठ के कि बिलिंग क्या होनी चाहिए, बिकॉज पहले बिलिंग समझेंगे, फिर जो सिस्टम उनका सॉफ्टवेयर होगा वो इन चीजों को चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद ही फिर हम यहाँ पर कोई नया बिलिंग आपको दे पाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं जो तंबाकू वगैरह सेल करते हैं, तो उनके यहाँ पर अभी तक कोई, इस साल जब देखा जाए तो आज तारीख क्या हो गई है, 9 अप्रैल हो गई शायद आज, ठीक है, तो अभी तक कोई भी परचेजिंग नहीं हुई है उनकी। क्यों नहीं हुई है? बिकॉज कंपनी ने पीछे से बिलिंग नहीं करी है। बिलिंग क्यों नहीं करी है? सिस्टम अभी अपडेट नहीं हुआ है एज पर द न्यू पॉलिसी। ये क्या है, प्रोग्राम को चेंज तो करना होगा ना, बिकॉज सेस का रेट चेंज हुआ है। पहले जो 60 या 160 चल रहा था वो एमआरपी पर 51% का रेट लेके आया है। तो टू एंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तो चेंज रिक्वेस्ट, कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट होने की चेंज आएगी, फिर चेंजेस किए जाएंगे, चेंजेस को टेस्ट किया जाएगा, चेंजेस को अप्लाई किया जाएगा, यूजर को ट्रेनिंग दी जाएगी इस चेंज एनवायरमेंट के अंदर, और उसका एक डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना होगा। क्लियर है? उम्मीद करो बेटा ये कंट्रोल्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में लगा हुआ है। मेंशन सम टेक्निक्स या मेथड्स फॉर टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के अंदर कंट्रोल्स की आपको टेस्टिंग करनी है, इसके मेथड या टेक्निक कौन कौन सी है? तो अगर याद हो जब मैंने आपको SA 330 कराया था, तो SA 330 में जब हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करके बेसिकली आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर सकते हो, तो वहां पर मैंने आपको एक कोड दिया था, रोटी, कुछ याद है? री परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन। ये अगर दिमाग में रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 नंबर का एग्जाम में लगा हुआ है, 4 मार्क्स। मेंशन सम मेथड या टेक्निक फॉर टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, कोड इज रोटी। आंसर देखिए, व्हेन टेस्टिंग कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, सम ऑफ कॉमन मेथड्स कह दीजिए या टेक्निक्स कह दीजिए या एक्टिविटीज कह दीजिए, दीज आर एज फॉलोज। आप रोटी दिमाग में रखिए, R is for re-performance, O for observation, T for testing, I for inquiry and I for inspection. Re-performance of control, वही कोड आया। Now observe करिए, O for observation, observe करिए how a user process transaction under the different scenario। आप user की performance को observe कर रहे हो कि कोई भी user किसी भी transaction को डिफरेंट सिनेरियो में किस तरह से प्रोसेस करता है, आप उसको अटेंड कर लेंगे, और एक बार आप उसको ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए किस किस तरह के एरर मैसेज डिस्प्ले होते हैं बाय द एप्लीकेशन। किसी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो और सॉफ्टवेयर पे काम करते हुए कोई भी अगर स्क्रीन पर मैसेज आता है, एरर मैसेज, तो उसको ऑब्जर्व करिए कि किस किस तरह के मैसेज बेसिकली एप्लीकेशन स्क्रीन पर शो करता है। कैरी आउट टेस्ट चेक, अपने एंड पर आप टेस्ट चेकिंग कर लीजिए। सर कैसे होगा कि मैं एक काम करता हूं, सिस्टम को एक बार एक्सेस करके देखता हूं, क्या सिस्टम मुझे, क्या मुझे सिस्टम पे एक्सेस अलाउ होती है या नहीं होती, या मैं सीक्वेंस नंबर चेक करता हूं कि एक इनवॉइस नंबर पर ऑलरेडी अगर एक एंट्री पास हो चुकी है तो क्या इसी सेम इनवॉइस से दोबारा एक एंट्री पास करना पॉसिबल है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट चेक। सिस्टम की टेस्टिंग के पर्पज के लिए आप कुछ टेस्ट चेक कर लीजिए। नाउ इंस्पेक्ट करिए टेक्निकल मैनुअल्स होते हैं जो सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, यूजर मैनुअल होते हैं फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हुए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया गया है, इनका आप इंस्पेक्शन करिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट का। इंस्पेक्शन करिए कॉन्फिगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन, अगेन
आप यहां पर एक डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंक्वायरी करिए रेस्पॉन्सिबल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से और इंस्पेक्ट करिए आप सिस्टम लॉक को। सर व्हाट इज कॉल्ड लॉक फाइल? लॉक एक तरह का कह सकते हो कि रिपोर्ट है जो कि सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं वो आपको सिस्टम पे डिस्प्ले करके दिखाता है। लॉग फाइल्स देखा होगा ना आपने कि कब कब सिस्टम पे एक्सेस हुआ था, कब लॉग इन हुआ, कब लॉग आउट हुआ, इसकी भी लॉग फाइल जनरेट होती हैं। इन लॉग फाइल को आप इंस्पेक्ट करिए, यानी इंस्पेक्शन करिए टेक्निकल मैनुअल्स का, यूजर मैनुअल का इंस्पेक्शन करिए, आप कॉन्फिगरेशन डिफाइंड इन एप्लीकेशन इंस्पेक्शन करिए, आप सिस्टम लॉग फाइल्स का इंक्वायरी करिए, आप रेस्पॉन्सिबल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। अल्टीमेटली आप बच्चे आप देख लो, कोड तो आपका रोटी ही है, बट क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या टेस्टिंग कर रहे हो, क्या इंस्पेक्शन कर रहे हो, बस थोड़ा सा आपको ये डिफाइन करना है। रीपरफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिंपल था, ऑब्जर्व कर रहे हो बेसिकली आप यहां पर दो चीजें, यूजर की परफॉर्मेंस डिफरेंट सिनेरियो में ट्रांजेक्शन को कैसे करता है प्रोसेस, एंड ऑब्जर्व कर रहे हो आप एरर मैसेज को जो एप्लीकेशन सिस्टम पे शो करता है। नाउ टी फॉर टेस्ट चेक करिए, आई इंक्वायरी करिए आप रेस्पॉन्सिबल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, इंस्पेक्शन करिए टेक्निकल मैनुअल्स का, इंस्पेक्शन करिए कॉन्फिगरेशन का, इंस्पेक्शन करिए आप सिस्टम लॉक्स का। सर इनको और एक्सप्लेन तो नहीं करना? डेफिनेटली नो, नहीं करना, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 4 नंबर का आपका लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस ऑडिट अप्रोच इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। अच्छा बताइए, एनवायरमेंट कोई सा भी हो, जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है या ऑडिट का स्कोप है, एनवायरमेंट के चेंज हो जाने पर क्या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ऑडिट का स्कोप सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? एनवायरमेंट के चेंज हो जाने पर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट का स्कोप सेम रहेगा या चेंज रहेगा? भाई साहब वो सेम रहेगा। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वही रहेगा और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपको एग्जामिन करना, यह आपका स्कोप रहेगा। लेकिन अगर बात करता हूं कि आपके ऑडिट करने की जो अप्रोच है या ऑडिट के जो आपके स्टेप्स हैं वो भी सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? सर वो भी सेम रहेंगे। मैं रिस्क असेस करूंगा, मैं कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, फिर कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को मैं टेस्ट करूंगा और अल्टीमेटली फिर मैं सब्सटैंटिव ऑडिट करके मैं रिपोर्टिंग करूंगा। यानी सेम आपको 315 करना है, 315 अप्लाई करना है, 330 अप्लाई करना है। ऑडिट एविडेंस की बात करेंगे, रिपोर्टिंग की बात करेंगे, लेकिन चेंज क्या होगा? आपकी जो ऑडिट करने की टेक्निक्स है, यानी ऑडिट को परफॉर्म करने का आपका तरीका, द वे ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, दीज आर इफेक्टेड व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। मैं देखो पहले भी मैं रिस्क असेस कर रहा था, अभी मैं रिस्क असेस करूंगा, लेकिन पहले रिस्क असेस किसी और तरीके से आप करते थे, अब रिस्क असेसमेंट किसी और तरीके से करूंगा। पहले कंट्रोल की जो टेस्टिंग आप करते थे, अगर मैनुअल कंट्रोल्स होते थे तो कंट्रोल को टेस्टिंग करने का तरीका कुछ अलग होता था। मैं वहां पर लॉग फाइल की बात नहीं करूंगा, मैं वहां पर जो सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन है, टेक्निकल मैनुअल्स हैं, उसकी बातें नहीं होती होंगी। लेकिन अब जब आईटी एनवायरमेंट आया है, कंट्रोल का एनवायरमेंट चेंज हुआ है, तो अकॉर्डिंगली उनको इवेल्युएट करने का, उनको अंडरस्टैंड करने का जो तरीका होगा वो चेंज होगा। यानी आपके ऑडिट के स्टेप्स तो वही चलेंगे जो पहले चलते थे, अंडरस्टैंडिंग लेना, रिस्क असेस करना, कंट्रोल की टेस्टिंग करना, रिपोर्टिंग करना, सारे स्टेप्स वही हैं। लेकिन इन्हें परफॉर्म करने का जो आपका तरीका होगा ना, वो तरीका चेंज होगा। द वे ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स वो चेंज होगा, अदरवाइज काम तो वही करना है। जैसे कि भाई साहब अगर आपको ये ग्रुप क्लियर करना है तो तरीका एक ही पढ़ना है, तरीका पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रोसीजर तो ये रहेगा पढ़ना है, बट एनवायरमेंट चेंज हो जाने पर पढ़ने के तरीके चेंज हो गए। पहले आप फेस टू फेस क्लास लेके पढ़ लिया करते थे, आज के टाइम पर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बट अल्टीमेटली आप पढ़ तो रहे हो ना, बट पढ़ने का तरीका क्या हुआ? चेंज हुआ। ऐसे ही ऑडिटर काम तो करेगा, बट काम करने का जो तरीका होगा वो चेंज होगा। तो डिस्कस करनी है हमें ऑडिट अप्रोच इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, सब पे तो आपने इंपोर्टेंट वगैरह मार्क करा दिया बेटा। 9 क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए हुए हैं इस जगह पर, देख लेना 9 में से ही एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो डिस्कस ऑडिट अप्रोच इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। फॉलोइंग आर अप्रोच ऑडिट अप्रोच इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। देखो ध्यान से, रिस्क असेसमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अंडरस्टैंड करना, इवेल्युएट करना, किसको? इंटरनल कंट्रोल्स को, वो भी होगा। या फिर इसके बाद टेस्टिंग फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ये बात करेंगे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके अगर कंट्रोल में डेफिशिएंसी आती है तो ये है आपकी रिपोर्टिंग विद रेस्पेक्ट टू
इंटरनल कंट्रोल, ये मेन रिपोर्टिंग नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर पर रिपोर्टिंग नहीं, ये इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड रिपोर्टिंग है। अब देखो ध्यान से, वैसे मेरे अकॉर्डिंग है ना, ये वाला जो पॉइंट था ये थोड़ा सा पहले होना चाहिए था, अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएशन, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ही आप रिस्क असेस करते हो। पहले आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करते हो। बट स्टडी मटेरियल के पॉइंट है, सीक्वेंस में चेंज नहीं कर रहा। इसको देखिए ध्यान से, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कौन कौन से सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड डिस्क्लोजर है। सिग्निफिकेंट बोले तो मटेरियल, बिकॉज मैं देखता हूं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ठीक है कौन कौन से आपके यहां पर मटेरियल अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर है। सर के ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आप कहिए कौन कौन से मटेरियल ट्रांजेक्शन हैं, अकाउंट बैलेंसेज हैं, डिस्क्लोजर्स हैं, फिर चीज कौन सा आइटम मटेरियल है कौन सा आइटम मटेरियल नहीं है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन रहेंगी मैटरिटी को डिसाइड करने के लिए। फिर रेलिवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, कि ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी असर्शन आ रही हैं, अकाउंट बैलेंस में कौन कौन सी असर्शन आ रही हैं, डिस्क्लोजर्स में कौन कौन सी आपकी असर्शन आ रही हैं। जैसे ट्रांजेक्शन की असर्शन की बात करूं तो ओसीएसी, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। अगर बात करते हैं अकाउंट बैलेंसेस की, दीज आर ईसीआरवी, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन। तो देखो स्टेप बहुत सिंपल है, चार स्टेप, जो पांच पॉइंट है बट शुरू के चार आपके इंटरलिंक है। आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से मैटेरियल आइटम है, फिर वाइटम मैटेरियल क्यों है, क्वालिटी की वजह से या क्वांटिटी की वजह से, उसमें कौन कौन सी assertions आ रही हैं और assertion लेवल पर क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, आइडेंटिफाई लाइकली सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, दैट इज assertion लेवल पर, assertion लेवल पर क्या क्या गलतियां हो सकती है, कैसे कैसे गलतियां आ सकती हैं, assertion लेवल, assertion लेवल पर कैसे कैसे मिस स्टेटमेंट आ सकती है, assertion लेवल पर कैसे कैसे मिस स्टेटमेंट आ सकती है, आइडेंटिफाई लाइकली सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड कंसीडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम, कि आईटी सिस्टम को यूज करके कैसे कैसे रिस्क आ सकते हैं, इनका ध्यान रखिए कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, वो डिस्कस किया है पीछे हमने यूपी में एफआईआर, इट इज द रिस्क असेसमेंट। तो देखिए कौन कौन से आपके यहां पर मटेरियल आइटम है, आइटम मटेरियल क्यों बन रहा है, क्वालिटी की वजह से या क्वांटिटी की वजह से, उसमें कौन कौन सी असर्शन आ रही हैं, असर्शन लेवल पर कैसी कैसी मिस स्टेटमेंट हो सकती है एंड आईटी को यूज करने की वजह से कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं यूपी में एफआईआर, इट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेस कर लिया, अब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करिए। वैसे थोड़ा रिवर्स चल रहा है, पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए थी उसके बाद आप रिस्क असेस करते हो। तो डॉक्यूमेंट करिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस, आपको बिजनेस के बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग मिली थी उसको आप डॉक्यूमेंट करिए। जैसे कि किसकी अंडरस्टैंडिंग, आपके यहां पर एप्लीकेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, क्या एक से ज्यादा एप्लीकेशन सिस्टम आप यूज करते हो, उनका पर्पस क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका आर्किटेक्चर किस तरीके का है, फिर कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे थे उसका, इन हाउस है या पैकेज है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को आपने आउटसोर्स किया हुआ है, फिर जो जो पर्सन हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, इन सारी बातों की अंडरस्टैंडिंग लेने के साथ साथ इन सबको आप डॉक्यूमेंट करिए। अंडरस्टैंड करिए आप डिजाइनिंग ऑफ कंट्रोल्स, कि आपके यहां पर कैसे कैसे जनरल आईटी कंट्रोल्स हैं, कैसे कैसे आपके यहां पर एप्लीकेशन कंट्रोल है, किस किस तरह के आपके यहां पर आईटी रिलेटेड आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स हैं। ये अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट बेटा स्टडी मटेरियल में पहले होना चाहिए था, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ही आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो, असेस कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट करिए वो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की जो आपने ऑब्टेन करी है, अंडरस्टैंडिंग करिए आप डिजाइनिंग ऑफ कंट्रोल की, अंडरस्टैंडिंग लीजिए आप जनरल आईटी कंट्रोल कैसे कैसे है, एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे कैसे है, प्रोसेस वाइड कंसिडरेशन फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि किस तरह से आपने अपने यहां पर ड्यूटीज को सेग्रीगेट किया हुआ है। तो ये सारी एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करिए और ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद ही
आप रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे। नाउ अब हम चलते हैं, ये तो हुआ कहानी 315 यानी ए और बी जो पॉइंट है आपका वो एसए 315 पे कनेक्ट होता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना और रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना असेस करना ये 315 का पार्ट है। मूव करते हैं एसए 330 पर और वहां पर आप पहले क्या परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। असेस करिए नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग। कैसे, जब आपने यहां पर काम करा है रिस्क असेसमेंट का तो आपने यहां पर इनहेरेंट रिस्क को देख लिया होगा। और अगर एक टॉपिक से रिकॉल कर सकते हो, ऑडिट रिस्क का एक टॉपिक था, तीन कंपोनेंट थे, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। तो जहां पर इनहेरेंट रिस्क की डिग्री हाई हुई होगी वहां पर आप कंट्रोल की टेस्टिंग डिटेल करेंगे। तो ठीक है, असेस करिए नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग। कैसे, इनहेरेंट रिस्क की डिग्री अगर हाई मिली होगी आपको तो उस केस में एनटीई ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपका डिटेल में जाएगा। टेस्टिंग ऑफ की रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट, जो सिस्टम से डेटा जनरेट हुआ है पीछे डिस्कस किया था, सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटैंटिवली, उनकी एक्यूरेसी को देखने के लिए, उनकी कंप्लीटनेस को देखने के लिए। सैंपल टेस्टिंग करिए एंड कंसिडर करिए कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ परफॉर्मिंग कंट्रोल एक्टिविटीज, कि जो स्टाफ बेसिकली कंट्रोल की एक्टिविटीज टेस्ट कर रहा है वो कॉम्पिटेंट है भी या नहीं है। अब सपोज जिसको आईटी एनवायरमेंट की नॉलेज ना हो, उसको अगर मैं टेस्टिंग करने के लिए कह दूं कि तू ये कंट्रोल टेस्ट कर ले, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा तो रिजल्ट मुझे वो गलत बताएगा, और अगर उसने मुझे रिजल्ट गलत बताया तो इसके बेस पर सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर का नेचर टाइमिंग एक्सटेंट वो गलत हो सकता है। तो टेस्ट करिए ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड फाइनली रिपोर्टिंग। यहां पर ध्यान से देखना, सब्सटैंटिव ऑडिट की बात नहीं कर रहा, उसने कहा भाई अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, रिस्क असेस कर लीजिए, फिर कंट्रोल की कंट्रोल की जो एक्टिविटीज है उनको आप टेस्ट कर लीजिए, और कंट्रोल से रिलेटेड अब आप यहां पर रिपोर्टिंग करिए। कंट्रोल से रिलेटेड रिपोर्टिंग क्या होगी भाई? सिंपल है, कंट्रोल को चेक किया, कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिली होगी, अगर डेफिशिएंसी नहीं मिली है तो मैं कंट्रोल पर एक क्लीन रिपोर्ट, अगर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है तो मैं एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन वहां बोल के आऊंगा। बट अगर मुझे कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिल जाती है तो मैं एसए 265 अप्लाई करूंगा, कि जो डेफिशिएंसी आपको मिली है सिग्निफिकेंट है या नहीं है। जो सिग्निफिकेंट होंगी वो लेटर ऑफ वीकनेस के जरिए मैनेजमेंट एंड दोस चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। तो इवेल्युएट करिए कंट्रोल डेफिशिएंसीज को, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इवेल्युएट करने का मतलब कि ये देखिए कौन सी डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है, कौन सी डेफिशिएंसी आपकी अदर डेफिशिएंसी है। सिग्निफिकेंट एंड अदर, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी एंड अदर डेफिशिएंसी। फिर जो अदर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होंगी उनको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर, ये भी बताता हूं कि इन कमियों को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो रेमेडिएशन ऑफ कंट्रोल वीकनेस, कि कंट्रोल में जो कमियां हैं मैनेजमेंट इन तरीकों से इन कंट्रोल की कमियों को आप ओवरकम कर सकते हो। मैनेजमेंट लेटर, लेटर ऑफ वीकनेस जो आप मैनेजमेंट को इश्यू करेंगे, एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये किसके लिए बात कर रहा है, 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपका रिपोर्टिंग का फेज हुआ, चार स्टेप में आपके ऑडिट की अप्रोच को डिवाइड किया, रिस्क असेस करना है, अंडरस्टैंड करना है, इवेल्युएट करना है, टेस्टिंग करनी है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को लेकर इंटरनल कंट्रोल की, एंड फाइनली योर रिपोर्टिंग फेज। क्लियर। लास्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 9, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। आज के टाइम पर बेटा डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, बिकॉज डेटा इज ऑयल फॉर बिजनेस। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए एक ईंधन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक है चार्जिंग तो होगा है ना, तो पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट है, गैस की रिक्वायरमेंट है सीएनजी की। ऐसे ही बिजनेस चलाने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आज के टाइम पर बिजनेस को लेकर जितने भी डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं वो डेटा के बेस पर ही होते हैं, और डेटा को मैनेज करने के पर्पस के लिए बेटा काम आउटसोर्स होता है। डेटा
एनालिटिक्स का काम, बिजनेस के पॉइंट से बात कर रहा हूं, अभी ऑडिट के पॉइंट से नहीं कर रहा, डेटा एनालिटिक्स का काम बेटा प्रॉपरली आउटसोर्स होता है कि हमारे इस डेटा को डिफरेंट वे में रिपोर्ट हमारे लिए जनरेट करिए। भाई परचेस करनी है तो कहां से मुझे परचेस करना चाहिए, ठीक है, परचेस से रिलेटेड डेटा सॉर्ट किया जाता है, सेल से रिलेटेड डेटा सॉर्ट किया जाता है। अब सपोज एडवर्टीजमेंट का मेरा बजट है 100 करोड़ रुपए का, तो मुझे इंडिया के किस रीजन में अपना एडवर्टीजमेंट कंपेनिंग ज्यादा हाई करनी चाहिए, कहां पर कम करनी चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस की सेल इंडिया में कहां से आती है, कहां से नहीं आ रही है। जहां पर सेल थोड़ी वीक होगी वहां पर एडवर्टीजमेंट का बजट अच्छा रखूंगा, और जहां पर मेरी सेल अच्छी खासी निकल के आ रही है तो वहां पर भी मैं मार्केटिंग तो करूंगा, एडवर्टीजमेंट करूंगा, पर थोड़ा सा कंपेरेटिवली वहां पर कम करूंगा। तो एटलीस्ट पता तो हो कि मेरी जो सेल आती है किस रीजन से कितनी सेल आ रही है, मेरा जो कॉम्पिटिटर है, इंडस्ट्री है, उसकी सेल कितनी है। जब तक ये डेटा नहीं मिलेगा आप चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते। तो डेटा एनालिटिक्स क्या है, ये एक तरीके के टूल कह दो, टेक्निक कह दो, जिसके जरिए आप इतने सारे डेटा में से अपने काम का डेटा निकालते हो अपने एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करने के पर्पस के लिए। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स। बिजनेस में ये काम मैनेजमेंट करता है बिजनेस को मैनेज करने के पर्पस के लिए, ऑडिट में ये काम आप करते हो एविडेंस को ऑब्टेन करने के पर्पस के लिए। इतना सारा डेटा है, उस डेटा में से अपने काम का डेटा टैप करना है। अब सपोज कि मुझे इतने सारे डेटा में से ये देखना है कि मुझे एक रिपोर्ट ये मिले कि जो खर्चे आपके एक पैटर्न पे चलते हैं, मैं वहां पर ये देखना चाहता हूं कि कौन से वो खर्चे हैं जो कि पिछले 4-5 साल के साथ में अगर एक कंपैरिजन करूं तो 10% से ऊपर का अप या डाउन जिनमें आया है उसकी एक रिपोर्ट मुझे मिल जाए। तो डेटा एनालिटिक्स तो होगा ना, ये कि डेटा को मुझे एनालाइज करना है। बट इस डेटा को एनालाइज आप कैसे करेंगे, एक टेक्निक आपको अप्लाई करनी होगी, डेट इज कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स, जिसके जरिए आप इतने सारे डेटा में से अपने काम का डेटा टैप कर सकते हो और उसके बाद उस डेटा को आप अपने काम के पर्पस के लिए एनालाइज कर सकते हो। ऑडिट में हमारे लिए जो एक काम एक सॉफ्टवेयर एक टेक्निक करता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। बट ये टेक्निक कैसे काम करती है सिलेबस में नहीं है, डेटा एनालिटिक्स का केवल एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू आपके सिलेबस में दिया। इवन फाइनल लेवल में भी सेम टॉपिक है बट वहां पर भी डेटा एनालिटिक्स के स्टेप्स दिए हैं एक्स्ट्रा, जितना आप पढ़ोगे इंटर लेवल पे उतना ही है, कुछ 8 स्टेप और एक्स्ट्रा वहां पर दिए हैं, बट उनको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है वहां पर भी फाइनल लेवल पे नहीं सिखाया। फाइनल लेवल में भी डेटा एनालिटिक्स का केवल एक ओवरव्यू आपको दिया गया है, और आपके लिए तो बेटा ओवरव्यू से भी छोटा व्यू आपको सिलेबस में है। एग्जाम में केवल आपको इसका मीनिंग और ऑडिट में किस पर्पस के लिए हम ये कर लेते हैं बस वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक। ये 3 कीवर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रोसेसेस टूल्स एंड टेक्निक्स, PTT, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस टूल एंड टेक्निक दैट आर यूज टू टैप करना निकालना वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। कंपनीज कैन बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। द टूल्स एंड टेक्निक द ऑडिटर यूज इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स आर नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CART। इसको आप MCQ पर्पस के लिए इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए। अब ये कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक काम कैसे करती है, जब कभी ओल्ड सिलेबस हुआ करता था CAIPC लेवल तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक के बारे में डिटेल कवरेज स्टडी मेटेरियल में हुआ करता था। फाइनल लेवल पे भी पहले कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक पे काफी डिटेल कवरेज स्टडी मेटेरियल में हुआ करते थे, बट इन्होंने अब जब से न्यू सिलेबस आया इंटर एज वेल एज फाइनल कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक बेटा खत्म कर दिया। बेटा मैनेजमेंट लेटर क्या होता है, अच्छा पीछे का कोई क्वेश्चन पूछ लो, मैनेजमेंट लेटर को आप लेके चले लेटर ऑफ वीकनेस, मैनेजमेंट को इश्यू किए जाने वाले लेटर, लेटर ऑफ वीकनेस। ये बताइए जब कंट्रोल की डेफिशिएंसी आपको मिल जाती है, आप देखते हो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो उस केस में फिर आप ये देखते हो कि कैसे इनसे ओवरकम किया जा सकता है, और ये सारी बातें एक लेटर के जरिए आप मैनेजमेंट को इश्यू कर देते हो, दैट मैनेजमेंट लेटर इज कॉल्ड एज लेटर ऑफ वीकनेस। क्लियर। चलिए, डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड बाय ऑडिटर इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स
एंड डेटा रिसाइडिंग इन आईटी सिस्टम यूजिंग स्प्रेडशीट. आप एमएस एक्सेल होता है बताइए क्या, एमएस एक्सेल के जरिए आप ट्रेंड एनालिसिस आसानी से कर सकते हो या नहीं कर सकते. विद इन सेकेंड वो सिस्टम बेटा, वो जो फाइल होती है वो आपके लिए कंपेरिजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है. एंड स्पेशलाइज ऑडिट टूल्स लाइक कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग. यानी ऑडिट में मैं डेटा एनालिटिक्स किस किस पर्पज के लिए कर लेता हूं, तो री परफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशन, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, सैंपल मुझे कितना लेके चलना चाहिए, तो एक टेक्निक अप्लाई करके कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक अप्लाई करके मैं एक सैंपल साइज सोच सकता हूं कि इतना सैंपल मुझे चेक करना चाहिए. एनालिसिस ऑफ जनरल एंट्रीज एज रिक्वायर्ड बाय एसए 240 एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. तो इसको आप एमसीक्यू पर्पस के लिए मार्क करना कि ऑडिट में डेटा एनालिटिक्स ऑडिटर किस किस जगह पर कर सकता है, तो कैलकुलेशन को रिपरफॉर्म करने के लिए, सैंपल के सिलेक्शन के पर्पस के लिए, जनरल एंट्रीज को एनालाइज करने के लिए, कहीं कोई फ्रॉड फैक्टर तो नहीं है, 240 की रिक्वायरमेंट होती है, एंड फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. इट इज अ कंप्लीट कवरेज ऑफ योर चैप्टर नंबर 6. अब इसमें ना एक छोटा सा बस आपको होमवर्क ये करना होगा कि मेरी बुक अगर है तो मेरी बुक फॉलो करिए, स्टडी मटेरियल देखना है तो स्टडी मटेरियल फॉलो कर लीजिए, और वहां पे इस चैप्टर के एंड में कुछ ग्लॉसरी दी हुई है. वो क्या है, बेसिकली कुछ टर्म है और उन टर्म का मीनिंग क्या है वो वहां पर बताया हुआ है. एग्जाम में क्या है कि उन एक टर्म का मीनिंग एक नंबर के लिए, तो तीन या चार टर्म को इकट्ठा करके वो आपसे उनका मीनिंग पूछ सकता है. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक बार लगा हुआ है, और एमटीपी आरटीपी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा लगे हुए हैं. तो इतना एक काम कर सकते हो कि सारे नहीं अगर याद करने हैं तो जो क्वेश्चंस एमटीपी आरटीपी और पास्ट अटेम्प्ट लगे हुए हैं उन उन टर्म के मीनिंग को और प्लीज आप लर्न कर लीजिए, और वो मीनिंग को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज ईआईएस के अंदर उन मीनिंग को आपने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ होता है. तो केवल कुछ मीनिंग उन्होंने वहां पे दिए हैं, वो मीनिंग आपको अपने एंड पे करना है. सर कहां मिलेंगे, तो मेरी बुक है तो चैप्टर का जो एंड हुआ है वहां पर वो मीनिंग आपको मिल जाएंगे. आईसीआई की बुक फॉलो करते हो सकता है, आईसीआई करना चाहिए आईसीआई की बुक को फॉलो, तो जो स्टडी मटेरियल है तो स्टडी मटेरियल में जहां पर ये चैप्टर एंड होता है वहां पर आपको वो टर्म और उसके मीनिंग मिल जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, और एमटीपी आरटीपी में काफी सारे क्वेश्चंस लगे हुए भी हैं. तो अल्टीमेटली ये चैप्टर नंबर 6 बच्चे हमारे यहां पर कवर हो जाता है. अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज मुझे आपकी ना 2-3 क्लास लेनी है, ठीक है ना. तो एक क्लास तो अभी ओवर हुई है, एक क्लास का टाइमिंग ले लेता हूं मैं 10:30, अभी 1.5 घंटे का ब्रेक करिए, और 10:30 से 12:30 एक क्लास लूंगा, और फिर 2 घंटे की एक क्लास में आपकी फिर इवनिंग में भी लूंगा, ठीक है. तो ये टाइमिंग प्लीज अब आप नोट कर लीजिए, अभी टाइम हुआ है 9 बज रहे हैं, तो 10:30 बजे मैं आपसे फिर मिलूंगा, और चैप्टर नंबर 7 को हम स्टार्ट करेंगे. इट इज फॉर सैंपलिंग, और सैंपलिंग में थोड़ा टाइम हमारा लगेगा, वो 2 घंटे में खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर इवनिंग में एक क्लास और लूंगा. उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो जो 10:30 से 12:30 वाली क्लास होगी उसमें 2 घंटे की टाइमिंग में आपको और बता दूंगा. वहां पर डेफिनेटली हम चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर जाएंगे, और चैप्टर नंबर 8 की भी काफी सारी कवरेज हम कवर कर चुके होंगे. ट्राई करूंगा कि चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट हो, बट इनकेस अगर नहीं होता है तो हाँ चैप्टर नंबर 7 पूरा हो चुका होगा और चैप्टर नंबर 8 हमारा आधा कंप्लीट हो जाएगा. तो मिलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद. सेशन को तो मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, सेशन इतना लंबा नहीं लगा कर रखूंगा, एक फ्रेश सेशन फिर आपको मिल जाएगा 10:30 से 12:30 का 2 घंटे का चैप्टर नंबर 7 के साथ, ठीक है. तो मिलते हैं आपसे.